Good evening. A very warm welcome to all of you on Dhoon Citizen Online. कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने ऐसे पूछा कि ये Dhoon Citizen Online क्या है? तो मैंने कहा, अरे तुम्हें Dhoon Citizen Online नहीं मालूम? देहरादून में रहते हो? And you don't know what is Dhoon Citizen Online? 3 months old group है हमारा and about more than 3,000 members join कर चुके हैं इस पर. And you don't know what Dhoon Citizen Online? कह रहे नहीं यार, आपको भी देखा है, कई जाने माने चेहरे देखे हैं, कई सेशंस भी देखे, पर समझ नहीं आया कि ग्रुप क्यों बना. तो मैंने उसको बताया कि ये ग्रुप जून से प्यार करने वाले लोगों ने बनाया है, दोज पीपल हु लव जून, और उनके लिए बनाया है जो लोग जून को बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें किमाड़ी की पहाड़ी से प्यार है, या मालदेवता के ब्रिज पर बैठ कर सामने सुंदर नज़ारे देखने से प्यार है, या फिर वहाँ जाते हुए मसूरी जाते हुए किसी छोटी सी दुकान पर बैठ कर चाय पकौड़े खाने से प्यार है. एक्चुअली देहरादून कल्चरली बहुत स्ट्रांग है. एक्चुअली देहरादून इज ऑल अबाउट ब्यूटी, कल्चर, नेचर, क्लास, स्टाइल. एंड यहाँ पे इतने IMA है, FRI है, सो देहरादून इज नॉर्मली नोन फॉर इट्स क्लास, फॉर इट्स एजुकेशन. इट्स एन एजुकेशन हब, सो लोगों को देहरादून से बहुत प्यार है एंड कल्चर देहरादून का बहुत स्ट्रांग है. सो ये ग्रुप बना इसलिए है ताकि हम देहरादून के इस कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, देहरादून की ब्यूटी को प्रिजर्व कर सकें. एंड वी मेक द बेस्ट आउट ऑफ जू. जो लोग इतनी दूर से आते हैं एंड देहरादून, यू नो, दे थिंक दैट यहाँ के पीपल बहुत मैनर्ड हैं, कल्चर्ड हैं, एजुकेटेड हैं बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग एन एजुकेशन हब. सो वी वांट दैट देहरादून इतना अच्छा सिटी बने. वी वांट टू मेक जून सच अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द होल होल वर्ल्ड, कि जो यहाँ से जाए वो भी खुश जाए और जो आए वो भी खुश रहे, उसको सब कम्फर्ट्स मिले, वो यहाँ की ब्यूटी को, नेचर को इंजॉय कर सके. सो जून सिटीजन इसीलिए बना है. और इसको करने में हम लोगों के, हमारी कोर टीम का बहुत बड़ा हाथ है इसके बीच में. राइट फ्रॉम मेकिंग द क्रिएटिव टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द शो, द होल कोर टीम पुट्स इट्स हार्ट एंड सोल फॉर द शो. काफ़ी रिसर्च की जाती है ताकि आपके लिए एक से एक सेशंस लेके आए. ऑफ लेटली हम एक सेशन लेके आए थे, चाहे बच्चों का टैलेंट हंट लेके आए थे, देन वी हैड अ म्यूजिकल इवनिंग एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्ट. अब हमें बहुत अच्छे व्यूज मिले उनके, लोगों ने हमें बड़े अच्छे सराहनीय व्यूज दिए, दे वर वेरी हैप्पी. एंड लोगों के मतलब के बहुत सेशन फिटनेस पे, योगा पे, स्मार्ट सिटी पे, बहुत से सेशंस हम लेके आए हैं. एंड आगे हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद के सेशंस, जो हमारे व्यूअर्स को पसंद है, वो सेशंस लेके आते रहें. सो प्लीज़ कीप सेंडिंग योर कॉमेंट्स, लाइक्स एंड व्यूज टू द शो. नेक्स्ट वीक वी आर कमिंग विद अ वेरी वेरी गुड ऑनलाइन एजुकेशन के सेशन हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि आजकल सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है. सो वी आर गेटिंग, वी आर वील बी ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट सेशन, के ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वट एवर. एंड वी आर गेटिंग, तो प्लीज बी ट्यून्ड नेक्स्ट वीक ऑल्सो, वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू फॉर दैट. एंड रही बात आज के सेशन की, आज का सेशन तो बहुत ही स्पेशल है. एक्चुअली इट इज अ सेशन ऑफ फॉर बींग प्राउड. जब हम प्राउड वर्ड की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाती है फेस पे, एक बड़ी प्राउड फीलिंग आती है मन में. एंड मेरे को प्राउड मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज हमारे बीच में जो दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, द प्राइड ऑफ उत्तराखंड हैं, दे आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं उनकी, पर उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत महारत हासिल की है. एक साइड एक लड़की है, शी इज अ डायनामाइट, शी इज़ अ गर्ल विद अ किलर पर्सनैलिटी, एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती है और वो अपना रैकेट ज़्यादा चलाती है. सो अपने दम और अपने रैकेट के दम से उसने अपने आप को एक स्पोर्ट्स आइकन बना लिया है. शी इज़ अ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ उत्तराखंड, नॉट ओनली आर स्टेट देहरादून, उत्तराखंड, इनफैक्ट द होल ऑफ इंडिया इज प्राउड ऑफ हर, बिकॉज उन्होंने इंटरनेशनली भी अपना काफ़ी अच्छा मार्क छोड़ा है. एंड शी इज एन इंस्पिरेशन टू सो मैनी यंग गर्ल्स एंड बॉयज आउट देयर. और जो हमारे दूसरी तरफ, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, उनके बारे में तो मेरे पास वर्ड्स ही बहुत कम हैं, बिकॉज ही इज अ माउंटेनियर. एंड लोगों की एक तमन्ना होती है कि हम माउंट एवरेस्ट चढ़ें. जिनको भी ट्रेकिंग का या माउंटेनिंग का शौक है, उनको बहुत लगता है कि हम माउंटेनिंग करें या हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ें. इन्होंने एक बार ही नहीं पर 7 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा है. एंड ही हैज इज अ पद्मश्री होल्डर इन हिमसेल्फ. और मतलब
क्या कहना इनके बारे में, पर आज हम देखते हैं कि आज हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, एक बैडमिंटन की फील्ड से और एक माउंटेनियरिंग फील्ड से, दोनों हमारे गेस्ट जो हैं उन्होंने बहुत महारत हासिल की है, और ये जो दोनों चमकते सितारे हैं आज, जिन्होंने हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को, उत्तराखंड को और देहरादून का नाम रोशन किया है। सो मैं अभी वेलकम करती हूँ अपने दोनों गेस्ट का। आई विल जस्ट अ सेकंड। सो सॉरी, आई विल वेलकम माय गेस्ट टुडे। एक तो है लव राज जो कि एक माउंटेनियर है। गुड इवनिंग सर, अ वेरी वार्म वेलकम। गुड इवनिंग। लवराज सिंह जी हैं, शी इज एन इंडियन माउंटेनियर एंड हु हैज क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट 7 टाइम्स। ही वाज अवार्डेड द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही हेल्स फ्रॉम पिथौरागढ़ एंड इज इन द बीएसएफ एंड हैज अचीव्ड वेरियस हाइट्स इन हिज विद हिज डेडिकेशन एंड विल पावर। सिंस 1998 ही हैज बीन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, कभी बीएसएफ के साथ तो कभी एनआईएम के स्टूडेंट्स के साथ, कभी ओएनजीसी के साथ, एंड ही वाज आल्सो अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। एंड ऐसे तो इनके अवार्ड्स के बारे में मेरे पास लिस्ट इतनी लंबी, मैं पूरा सेशन इनके अवार्ड्स का वो कर सकती हूँ, बट ही इनको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, देन सर एम्यूल्ड हिलरी अवार्ड एंड मैनी मोर टू हिज क्रेडिट, जो हम इनसे ही सुनेंगे कि इनकी क्या क्या, इन्होंने क्या क्या पाया है और क्या क्या इन्होंने हासिल किया है। एंड वेलकम टू द शो लवराजी, अ वेरी वार्म आपको आज लाके, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड, द होल डूंट सिटीजन ऑनलाइन टीम इज वेरी प्राउड टू हैव यू विद अस, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आए और अपनी, वी विल बी हियरिंग योर इंस्पायरिंग स्टोरीज इन अ फ्यू मिनट्स। So, मेरा भी सबको नमस्कार, जितने भी यहाँ पे इससे जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, थैंक यू। तो मेरी सेकंड गेस्ट जो है वो है कुहू गर्ग। शी इज अ गर्ल विद एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, शी हेल्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वेरी एजुकेटेड पीपल, एंड ये अपने आप में ही, शी इज वेरी एजुकेटेड, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं ये, एंड शी हैज ऑलवेज स्ट्राइक अ ब्यूटिफुल बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। शी हेल्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वेरी एजुकेटेड पीपल, जहाँ एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई गेम्स के साथ साथ, एंड इनके जो पेरेंट्स हैं वो देहरादून में और उत्तराखंड में वो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एंड दे ऑलवेज बीन अ बिग सपोर्ट टू एवरी वन अराउंड अस। So I welcome, and Kuhu, सबसे पहले, she is an inspiration to all the girls out there. मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि Kuhu को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है, if you are dedicated, अगर आप कोई भी काम शिद्दत से करते हैं तो उसको हासिल करने में कोई दूर नहीं है, बस मेहनत और हार्डवर्क की ज़रूरत है। Welcome Kuhu, welcome to the show. Thank you for inviting me and having me here. मैं इन दोनों के बारे में एक बात, थोड़े कुछ वर्ड्स कहना चाहूंगी कि कुछ पंक्तियां हैं, आई थिंक ऐसे तो आप दोनों की अपनी अपनी फील्ड में इतनी ज्यादा महारत है, बट हमारे पास वर्ड्स भी शॉर्ट हैं, बट स्टिल, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वे अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं, वे अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, पर देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि इन सब का हौसला भी जिद्दी है। सो आई वेलकम बोथ ऑफ यू टू द शो, और बहुत बहुत वेलकम आपका। सो लेट अस स्टार्ट द शो विद दिस, आई थिंक पीपल आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। मेरी तो बहुत बड़ी कहानी हो गई, मैंने बहुत कुछ सुना दिया, बट आई थिंक पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो सर, टू बिगिन विद यू लवराज जी, आप माउंटेनियरिंग के, मीन्स यू आर अ माउंटेनियर, बीएसएफ में भी हैं, आप माउंटेनियर हैं,
माउंटेनियरिंग करते हैं. सो आपने ये क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग कब शुरू किया, कैसे आपके मन में आया कि मैं एक माउंटेनियरिंग बनूं करूं? आप तो पिथौरागढ़ में रहते थे, आपके घर के बाहर वो पंचोली के पहाड़ थे आई थिंक, एंड उनको देखते हुए आपके घर के सामने बैकड्रॉप आपके घर के सामने था. सो व्हाट वाज, क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया माउंटेनियरिंग को लेने में और इसको करने में, क्योंकि आपने इतनी बारी इतने समिट्स किए अपार्ट फ्रॉम माउंट एवरेस्ट कंचनजुंगा और बहुत से समिट्स किए. सो सर व्हाट वाज, क्या था जिससे आपको अंदर से ये मिला शुरू करने का माउंटेनियरिंग? 1989 में मैंने माउंटेनियरिंग शुरू किया था. और यदि इससे पहले की बात बोल तो मेरा जो गांव है मुनस्यारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो एक बहुत रिमोट एरिया, आज भी काफ़ी रिमोट है. और आज भी वहां पर रोड नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, लाइट नहीं है. और तो आप सोच सकते हैं कि आज से 35-40 साल पहले क्या वहां पे स्थिति रहा होगा. तो पंचोली मेरे सामने था, रोड देखते थे हम लोग. और मेरे गांव के लोग, मेरे माँ जी, मेरे पिताजी जो है वो अक्सर बोलते थे कि पंचोली के ऊपर जब अर्ली मॉर्निंग में एक ब्लिजर्ड चलता था, हवा चलती थी, तो एक धुआं सा निकलता था, तो बोलते थे कि भगवान पूजा कर रहे हैं वहाँ पे. तो हम भी यही सोचते थे कि शायद वहाँ पे कोई भगवान होगा जो अगरबत्ती जला रहा है, इस टाइप से धारणा थी गाँव वालों का. और पंचोली के नीचे हम लोग अपना बचपन से देखा उसको, और वहीं से थोड़ा सा लगा कि आगे जैसे आया तो फिर पता लगा कि भाई माउंटेनियरिंग भी कोई गेम है और उसका ट्रेनिंग भी होता है. और 1989 से मैंने ये इस फील्ड में जो आना शुरू किया. और मैंने बेसिक एडवांस जितने भी कोर्सेज थे वो 1990 में मैंने ये सारे कोर्सेज किए. उसके बाद बहुत सारे पीक्स मैंने किए. और 1998 में मुझे एवरेज जाने का मौका मिला. उससे पहले मैं ऑलमोस्ट 15-20 पीक कर चुका था 7,000-6,000 के. तो ये मेरा देखा जाए तो 1989 का जो एक्सपीडिशन था ये टाटा स्पॉन्सर एक्सपीडिशन था और उनकी टाटा की अपनी टीम थी. तो ये मेरा एक देखा जाए तो टर्निंग पॉइंट भी था और वहीं से शुरू हुआ मेरा ये. बहुत सुंदर, ईश्वर को सोच के वहाँ भगवान बसते हैं आप आ गए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, अ वेरी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट फीलिंग है सर, ये सो नाइस सर. तो अब कुहू, आप आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि यस कुहू, तो कुहू आप इतनी यंग टैलेंटेड गर्ल हैं, सो हाउ डिड बैडमिंटन कम इन योर लाइफ? देखिए बचपन में तो हमारे पेरेंट्स हमें कितने स्पोर्ट्स खिलाते हैं, सो हाउ डिड यू थॉट कि मैं बैडमिंटन में ही कुछ ऐसा करूँ कि आई गो प्लेसेस? एक्चुअली बैडमिंटन कभी इस प्लान से स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे प्रोफेशनली खेलना है. हम लोग बचपन में पेरेंट्स ने इनकरेज करा बेसिकली नॉट जस्ट स्पोर्ट्स बट बाकी करिकुलर्स के लिए भी बहुत इनकरेज करा, वेदर आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने लर्न करा हुआ है. एंड बैडमिंटन वॉज जस्ट वन स्पोर्ट जिसमें मैंने थोड़ा कंटिन्यू करा, एंड टचवुड मैंने उसमें परफॉर्म अच्छा करते गई तो मैंने लॉन्ग टर्म और भी आगे कंटिन्यू करा. तो जैसे डैड खेलने जाते थे उनके साथ मैं भी बैडमिंटन खेलने चले जाती थी, मैं उनके साथ साथ टेनिस खेलने भी जाती थी. सो सभी कुछ मैंने बचपन में खेला हुआ है. एंड देन 2007 में एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ था देहरादून में, सीनियर ऑल इंडिया टूर्नामेंट, जिसमें साइना दीदी हैड कम हियर एज अ गेस्ट. एंड मैनी अदर प्लेयर, जैसे इवन कश्यप भैया ने जीता था, अनूप श्रीधर आया था, बहुत प्लेयर्स आए थे उस टूर्नामेंट में. एंड उन सबको देख के साइना से भी मिलके बहुत थोड़ा और इंस्पायर्ड फील हुआ और मोटिवेटेड फील हुआ कि बैडमिंटन खेलना है आगे. तो बैडमिंटन उस तरीके से स्टार्ट किया एंड लकीली विद इन मे बी 2-3 years ऑफ प्लेइंग लाइक स्टार्टिंग बैडमिंटन में ऑल इंडिया लेवल पे डिसेंट परफॉर्म करने लग गई थी. जैसे मैंने अंडर 13 में 2010 में, सो दैट वॉज हार्डली 2.5 years आफ्टर आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन. सो क्योंकि अच्छा परफॉर्म करती रही तो और कंटिन्यू आगे करती रही. एंड उस तब भी ऐसा कोई सपना नहीं था कि मुझे कोई यू नो मतलब ऐसा कोई चैंपियन बनने का सपना नहीं था. बट जैसे जैसे देखा और जैसे दिल्ली में 2010 में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट हुई, उसमें मैंने वॉलंटियर किया,
तो तब और मैंने पहली बार इंटरनेशनल प्लेयर्स को एक्चुअली क्लोजली ऑब्जर्व किया. उसमें लिंडन भी आया हुआ था एंड बहुत वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स वहां पे आए हुए थे. तो उन्हें सबको क्लोजली ऑब्जर्व करके और भी ज्यादा ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ने थ्रू आउट आई थिंक माई करियर मुझे मोटिवेट करा है कि मैं और आगे खेलूं, मैं और बड़ा एम करूं, एंड मैंने अकॉर्डिंगली वर्क करा है. वेरी नाइस, सो इंस्पायरिंग एंड नाइस. तो और मैं बात करती हूँ कि कितने घंटे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हाउ मेनी आवर्स डू यू ट्रेन? सो आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है बट ऑन अ रेगुलर डे अदरवाइज आई थिंक मिनिमम हम 6 घंटा तो ट्रेन एक दिन में करते हैं. तो समटाइम्स इट कैन गो थोड़ा लिटिल बियॉन्ड 6 आवर्स एंड समटाइम्स इट्स अ लिटिल लेस देन 6 आवर्स, बट ऑन एन एवरेज 6 आवर्स अ डे एंड यू नो 5 टाइम्स अ वीक. The other, you know, once a week is a full day off, and the other day is a half day sort of a thing. So, yeah, that is the average. Hard work to करना ही पड़ता है. If you achieve a certain height, so you have to put in a lot of hard work. So, ये लवराज जी आपसे पूछ रही थी मैं कि आपने ये जो क्लाइंब करते हैं इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है या आप ट्रेन करते हैं तो इसमें कैसे कितने घंटे आपको पहले ट्रेन करना पड़ता है कि इतनी आप ऊंचाइयां छुए या इतना कोई भी एक्सपेडिशन पे जाएं? तो किसी भी एक्सपेडिशन माउंटेनियरिंग के लिए जो है किसी भी एक्सपेडिशन में जाने से पहले आपको बेसिक एडवांस और ये कोर्सेज करने होते हैं जिससे आपको रॉक में कैसे चलते हैं, आइस में कैसे चलते हैं, स्नो में कैसे चलते हैं, यदि स्नो में गिर गया तो कैसे आपको संभलना है, यदि आपकी टीम गिर गया तो कैसे, वो सारा कुछ ये ट्रेनिंग होता है. उसके बाद ही जो है आप आगे बड़े पीक्स में जा सकते हैं जिससे आपको अच्छा अपने लाइफ को भी बचा सकते हैं, अपने टीम के लाइफ को भी बचा सकते हैं जितना अच्छी ट्रेनिंग होगी. तो इसके लिए मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग करता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि बीएसएफ में हूँ तो बीएसएफ की हमारी अपनी सेंट्रल माउंटेनिंग टीम है और काफ़ी बड़ी टीम है. हम लोग हमेशा हमारे डिपार्टमेंट ने जो है टीम को एक जगह फोकस कर रखा है तो वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं. और लगभग हम लोग जब हमारा सीजन चलता है ट्रेनिंग का तो हम लोग 6 घंटे 7 घंटे ट्रेनिंग करते हैं. कभी लॉन्ग ट्रैक में भी जाते हैं, लंबे ट्रैक में ज्यादा एल्टीट्यूड में तो 12-13 घंटे का, 18 घंटे भी हम ट्रैक करते हैं, कई बार नाइट ट्रैक भी करते हैं, कई बार रोड पे 70-80 किलोमीटर का. तो इंडोरेंस बढ़ाने के लिए, अपने फिजिकल वर्क को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको एक्सपीडिशन में कम से कम कई बार जो है 18-20-24 घंटे आपको कंटिन्यू चलना होता है तो वो सारा कुछ आपके पास इतने घंटे चलने का कैपेसिटी होना चाहिए इससे पहले. तो ये सारे ट्रेनिंग कंटिन्यू चलते रहता है और मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है नॉर्मल टाइम में कि वीक में कैसे मैंने अपने आपको वर्कआउट करना है, अपने फिजिकल में कैसे ध्यान देना है, वो सारा कुछ मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है. तो उस प्रोग्राम के अनुसार मैं करता हूँ. जिस दिन मेरे को 10 किलोमीटर करना होता है उस दिन मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ रनिंग में. जिस दिन 15 किलोमीटर करना होता है उस दिन मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ और टाइमिंग के साथ उसको कोऑर्डिनेट करता हूँ अपने आप को. और हफ्ते में 2 दिन रेस्ट करता हूँ. तो रेस्ट जिस दिन रेस्ट करता हूँ उस दिन नॉर्मली योगा करता हूँ, थोड़ा बहुत जॉगिंग योगा इस टाइप से करता हूँ. तो ये आपको किसी चीज़ को अचीव करने के लिए अपना जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अदरवाइज बीच में ब्रेक होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आता है. सपोज एक महीने का आप ब्रेक करते हैं तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं. उस एक महीने को आपको आगे अपने फिटनेस में लाने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए जो है बारिश हो गर्मी हो कुछ भी है आपको अपना रूटीन में रहना ही पड़ता है. वो तो मैं टाइम निकाल के कई बार ऑफिसों में काम भी होता है तब भी जो है टाइम निकाल के जो है करता हूँ. मेरे घर के नज़दीक में दिल्ली में पार्क है बहुत बड़ा तो जब मैं दौड़ता हूँ वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते हैं दौड़ने के लिए और सब पूछते हैं मुझे कि आज कितना चक्कर लगाया आपने. और वो लोग बोलते हैं आप इतना कर रहे हैं हम भी करते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे उससे जो आप सारे लोग बिकॉज एक इंस्पिरेशन है एक्चुअली. कुछ भी कहीं भी अचीव करने के लिए वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है हमें और बहुत मेहनत है और कंसिस्टेंट रहने की मेहनत है. इट इज नॉट ओनली 1 दिन 2 दिन, चलते रहना पड़ता है आपको मेहनत की राह में. तो
यही है कि हम सबको वी शुड लर्न फ्रॉम देम, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अस एंड यू शुड लर्न कि कुछ भी हासिल करने के लिए चाहे वो कुहू गर्ग है या लवराज जी हैं, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, हार्डवर्क करना है, मेहनत करेंगे तभी अचीव करेंगे। तो कुहू एक बात बताइए, इंजोरेंस, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, इसके व्हाट डू ऑल दीज मीन टू यू, आप क्या इसके बारे में बताएंगे अपनी जो हमारे फेलो व्यूअर्स हैं जो देखना चाह रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब हमारी बेसिक ट्रेनिंग के टाइम, इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग। जैसे लवराज जी ने कहा कि इंडोरेंस के लिए मैं ये करता हूँ, योगा करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप बेसिकली हर स्पोर्ट के अपने अपने रिक्वायरमेंट होते हैं एंड एक पॉइंट के बाद आई थिंक आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज आप टेक्निकली कितने भी अच्छे हो सकते हैं बट इफ आप अच्छी फिजिकल कंडीशन में नहीं है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड आप किसी भी आजकल किसी भी स्पोर्ट के टॉप एथलीट्स को देख लीजिए, मतलब वो लोग फिजिकली एक बहुत ही अदर लेवल ऑफ फिटनेस पहुंच चुके हैं, वेदर वो जोकोविच हो या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या राफेल नडाल, इवन बैडमिंटन में मोमोटा, सो वो लोग एक फिटनेस की अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं। सो फिटनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड हर स्पोर्ट के अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। सो आई थिंक बैडमिंटन में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्पीड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, सबके अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे इवन लवराज जी बोल रहे थे, सो बेसिकली अगर हमारे पास हफ्ते में आई एम ट्रेनिंग 6 days अ वीक, तो अकॉर्डिंगली मेरा शेड्यूल वुड बी मेड कि 3 days मैं स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रही हूँ, 1 दिन एंड्योरेंस वर्कआउट कर रही हूँ, 1 दिन स्पीड वर्कआउट हो रहा है, एजिलिटी वर्कआउट हो रहा है, मूवमेंट प्रेप हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली हमारा होता है एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास सिर्फ स्ट्रेंथ है बट इफ आपका मूवमेंट अच्छा नहीं है सो दैट स्ट्रेंथ इज नॉट गुड इनफ, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो बेसिकली ऑल दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस सब पे वर्क करना होता है एंड सब आई थिंक हर एथलीट को अपना पर्सनल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बिकॉज आई थिंक जैसे अब हम उत्तराखंड के जो एथलीट्स होते हैं इन जनरल, सब लोग एंड्योरेंस में थोड़ा वी हैव एन अपर हैंड बिकॉज बचपन से सबको पहाड़ों में भागने की ट्रेनिंग करने की हैबिट होती है, तो सबको एक थोड़ा वी हैव एन अपर हैंड व्हेन इट कम्स टू एंड्योरेंस, बट देयर मे बी समथिंग एल्स वी मे बी लैकिंग इन, सो अकॉर्डिंगली हमें अपना ट्रेनिंग प्लान करना पड़ता है। या सो देखिए, चाहे वो माउंटेनियरिंग है, चाहे वो बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट है, सब में मेहनत की जरूरत है, एक प्लान स्केड्यूल की जरूरत है जिसमें हम हर रोज के दिन प्लान होता है कि आज ये कर रहे हैं, कल ये करना है, एंड इट्स नो रेस्ट एक्चुअली, यू हैव टू प्लान एवरी डे, आपको अपना हर दिन प्लान करना पड़ता है, हर चीज प्लान करके चलनी है सो दैट हम अपने अच्छे लेवल्स को रीच करने के लिए, टू रीच दैट इंटरनेशनल लेवल, वहां जाके महारत है और अपना नाम रोशन करने के लिए वी हैव टू वर्क हार्ड। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट वी आर हैविंग बोथ ऑफ यू। प्लीज कीप आस्किंग क्वेश्चंस, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आस्क क्वेश्चंस, वी हैव द प्राइड ऑफ उत्तराखंड विद अस, बोथ ऑफ देम शाइनिंग स्टार्स। आज मैं आसमान से 2 सितारे लेके आई हूँ जो छुपे हुए बैठे थे, उनको मैं आज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ, प्लीज कम अप विद योर क्वेश्चंस। So, ये कुहू आपसे पूछ रही थी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पॉट। आप अच्छा लवराज जी आप हैं, लवराज जी काफी एक्सपेंसिव है जो आप हमारा ये माउंटेनिंग का है एक्सपीडिशन, 30-40 lakh रुपीज लग जाते हैं एक एक एक्सपीडिशन में, सो हाउ डू यू कोप अप, सर कैसे होता है, कहीं से फंडिंग मिलती है, स्टेट हेल्प करता है, कैसे रहता है सर? इसमें मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ कई बार कि मैंने इस फील्ड को चूज किया और मुझे बड़े, जैसे मैंने बेसिक एडवांस कोर्स किया, मुझे टॉप इंडिया के टॉप लेवल के क्लाइंबर्स के साथ मिलने का मौका मिला और वर्ल्ड के टॉप क्लाइंबर के साथ जाने का मौका मिला। आपने भी नंदा देवी, लास्ट ईयर जो नंदा देवी में कैजुअलिटी हो गई थी 8 लोगों की, उसमें मार्टिन मोरेन करके जो वर्ल्ड फेमस क्लाइंबर था उनकी भी उसमें डेथ हुई थी, तो उनके साथ भी मैंने काम किया है 97-98 में, तो वो वर्ल्ड के बहुत ही पॉपुलर क्लाइंबर थे अल्पाइन स्टाइल का, तो उस टाइम इंडिया में उसने मेरे को सिखाया था अल्पाइन कैसे, अल्पाइन क्लाइंबिंग कैसे होता है, तो मैं अकेला आदमी था जो इंडिया में अल्पाइन क्लाइंबिंग के बारे में जानता था, और
ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को अच्छे अच्छे क्लाइंबर मिले, बैजंती पाल जी मिले, चंद्रपुर भाई थोवाल मैडम मिली, और मनाली में कर्नल प्रेमचंद जो जिनने फर्स्ट कंचनजंगा सबमिट किया था वो मिले, इनका बहुत सपोर्ट मिला। तो आपको जब लोगों का सपोर्ट मिलता है तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल और सर, इतना एक्सपेंसिव गेम है ये कि इसमें एक मेंबर का ऑलमोस्ट 25 लाख रुपया खर्चा आता है, जिसमें 10,000 11,000 डॉलर जो है रॉयल्टी जाता है नेपाल टूरिज्म को। उसके पास अच्छा फिर ऑक्सीजन का, शेर पास का, सब इक्विपमेंट लगभग 4 4.5 लाख रुपए का आपका इक्विपमेंट आता है, जो सब मेड इन फ्रांस, मेड इन यूके, यूएसए का होता है, उसको आप यूज करते हैं। और काफी एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है। तो लगभग 25 लाख टोटल मिला के एक आदमी पर खर्चा आ जाता है ये। तो मेरा एक हार्ड वर्किंग था, प्लस मैं एक थोड़ा बहुत माउंटेनिंग के बारे में मेरे को काफी नॉलेज था, और मेरे ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, तो लोग मुझे ले जाना पसंद करते थे। स्टार्ट मैंने एज ए हायर पोर्टर के तौर पे किया, और मेरे को बड़ा, तब मैं पोर्टर का काम करता था। उसके बाद फिर मैंने कुकिंग भी किया, हेल्पर का काम भी किया, और साथ में क्लाइंबिंग भी करता था। तो लोगों को लगा कि ये मेहनती है, अच्छा वो कर रहा है, कुछ करता है। तो अपॉर्चुनिटी मिलती रही, और 5 बार मैं एज ए लीडर गया उसके बाद, और इंटरनेशनल एक्सीबिशन में। और अभी मैं यदि कभी कई बार सपना जैसा लगता है, मुझे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये मैं एक सपना कभी सर, एक्चुअली ये बड़ा होने सपना है लगता है। जो, तो बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर तो करता है और कॉर्पोरेट कंपनियां भी करती हैं, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मेरा अपना जो मेहनत था उसको लोगों ने रिकग्नाइज किया, और लोगों ने एज ए लीडर मुझे बुलाया, और उन्होंने स्पॉन्सर किया। 3 बार तो इंटरनेशनल एक्सपीडिशन का मैं लीडर रहा, तो उन्होंने सारा स्पॉन्सर किया था। और 2 3 बार मैं भारत सरकार की तरफ से गया, 1 बार 2 बार अपने बीएसएफ की तरफ से गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव गेम है, इसमें कोई शक नहीं, यस, और तो हर किसी के लिए ये बड़ा सर मुश्किल आपने अपना मेटल प्रूव किया है, इसीलिए आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच सके एंड विद योर ओन हार्डवर्क। तो और कुहू, आपसे पूछ रही थी मैं कि आप बताइए कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट कुहू, एंड आप इसको हाउ डू यू मैनेज, बिकॉज गवर्नमेंट देती है, स्टेट देती है, बाकी किस तरीके से आप मैनेज करते हैं इसमें? हाँ। सो लाइक ऑल दो बैडमिंटन अब आई थिंक इंडिया में काफी पॉपुलर हो चुका है एंड इट्स वन ऑफ द प्रॉब्ली द मोस्ट प्लेड स्पोर्ट आजकल, काफी बैडमिंटन अमंग द मोस्ट पॉपुलर हो चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी फेडरेशन अभी भी बहुत लिमिटेड प्लेयर्स को स्पॉन्सर करती है। सो जो एक फेडरेशन की साइड से जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फंड्स बेसिकली फेडरेशन को मिलता है, सो वो जो फंडिंग जाती है वो काफी लिमिटेड, सिर्फ टॉप के में भी 13 14 प्लेयर्स को जाती है जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 25 में है या टॉप 30 तक में भी अब उन्होंने बना दिया है। सो इसलिए फेडरेशन की साइड से काफी कम रहेगा इन टर्म्स ऑफ द फंडिंग टू प्ले टूर्नामेंट्स। वो हम लोगों को कैंप के लिए सपोर्ट करते हैं, कैंप के लिए वी डोंट हैव टू डू एनी एक्सपेंडिचर, वेदर इट्स द स्टे और फूड और शटल्स किटिंग, तो वो सब हमें मिलता है। बट हाउएवर फॉर टूर्नामेंट्स हमें अभी भी अपने खुद के एक्सपेंसेस पे जाना पड़ता है। एंड और इवन अनफॉर्चुनेटली जो काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु हैव स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग किड्स यू नो स्पोर्ट्स में, एथलीट्स के लिए, जैसे गो स्पोर्ट्स या OGQ, सो इवन दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट कमिंग अप टू हेल्प डबल्स प्लेयर्स एंड स्पेशली वुमेन डबल्स प्लेयर्स। सो ऑलरेडी जो प्लेयर्स इस्टेब्लिश्ड हैं, जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, उनको ही दे आर प्रेफरिंग टू स्पॉन्सर इंस्टेड ऑफ स्पॉन्सरिंग द यू नो यंगर प्लेयर्स एंड बिल्ड अप प्लेयर्स। सो दैट इज नॉट हैपनिंग, सो अनफॉर्चुनेटली खुद से ही करना पड़ता है। एंड लकीली लाइक फैमिली बहुत सपोर्टिव है एंड इट्स ओनली ड्यू टू देयर सपोर्ट दैट आई एम एबल टू प्ले अभी तक। एंड आई मीन दिस इज समथिंग आई सी अराउंड मी, लाइक मोस्ट ऑफ द वुमेन प्लेयर्स जो सीनियर कैटेगरी में आने तक खेल रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम गुड फैमिली बैकग्राउंड वेयर दे कैन बी सपोर्टेड बाई देयर फैमिलीज टू यू नो प्ले, अदरवाइज आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू सस्टेन, क्योंकि बैडमिंटन इज नॉट अ चीप स्पोर्ट। आई मीन इवन फॉर द पीपल स्टार्टिंग आउट, उन लोगों को इवन शटल का कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता है, रनिंग कॉस्ट। आई मीन वन शटल कॉस्ट यू अराउंड 100 150 रुपीज एंड आपकी पर डे
10 से 20 शटल यूज हो रही है एंड यू नो सो इफ यू सी दैट रनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है सो इवन फॉर स्टार्टिंग आउट इट्स नॉट इजी एंड इवन जब आप सीनियर्स में आ गए अगर आपकी इक्विपमेंट और शटल की नहीं लग रही है कॉस्ट बट टूर्नामेंट्स जाने की कॉस्ट काफी हाई है एंड उस हिसाब से बैडमिंटन में प्राइज मनी भी इतना हाई नहीं है कि यू नो आई एम अर्निंग इनफ फ्रॉम माई प्राइज मनी कि आई कैन सस्टेन माई सेल्फ सो डेफिनेटली आई थिंक स्पॉन्सर्स प्ले अ बिग रोल एंड अनफॉर्चुनेटली अभी उतने नहीं आ रहे हैं प्राइवेट स्पॉन्सर्स और दी ऑर्गेनाइजेशंस दे आर नॉट इक्वली फंडिंग ऑल कैटेगरीज एंड ऑल प्लेयर्स सो दैट इज वेयर द थिंग नीड्स टू स्टेप अप हमारी एसोसिएशन हाउएवर दे ट्राई एंड डू अ लॉट दे हैव सेंटर्स फॉर कोचिंग कैंप्स लाइक उत्तराखंड के बच्चों को एज अ टीम दे हैव सेंटर्स टू इंडोनेशिया टू थाईलैंड दे इवन अरेंज द कैंप इन देहरादून जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हैपेंड सो एसोसिएशन अपने तरफ से आई थिंक बेस्ट एफर्ट्स कर रही है बट समवेयर द सिस्टम इज स्टिल लैकिंग या चलो वी विल रियली विश के कुछ ऐसा सिस्टम बने कि आप लोगों को और ज्यादा प्रमोट करने का वो मिले यू नो बीच में मेरा वर्ल्ड रैंकिंग 34 था बट डिस्पाइट दैट हम लोगों को नहीं मिला फेडरेशन से रिफंड सो मतलब भाई 34 आने के बाद भी नहीं मिला एंड हम लोगों को खुद से ही करना पड़ता है सारा वही इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट तो अगर फैमिली पीछे से सपोर्ट ना करे तो यू कांट प्ले एक्चुअली बहुत बड़ा फैमिली का सपोर्ट है मैं आपके प्रोफाइल के बारे में कुहू पढ़ रही थी कि आपने काफी नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट हैं गोल्ड मेडलिस्ट इन द साउथ एशियन गेम्स 2019 और क्या कहते हैं विनर ऑफ द ब्रॉन्ज मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट्स तो काफी आपने जीते हुए हैं इवेंट्स काफी एंड यू एम टू गो टू द एशियन गेम्स ओलंपिक्स में आप जाना चाहते हैं सो इस एज में एट अ वेरी यू आर अ अभी कोई बहुत बड़ी एज नहीं एट दिस स्मॉल एज आपने काफी अच्छा अचीव किया है अपने हिसाब से सो क्या कभी कोई डिस्ट्रैक्शन होती है लाइफ में कई डिस्ट्रैक्शन होते हैं क्या है जो आपको इतना फोकस रखता है अपने गोल के लिए यू बिकॉज यू एम टू बी एम टू कम अमंग्स द फर्स्ट 10 आपका एम है कि आप फर्स्ट 10 प्लेयर्स में आए तो क्या है इतनी डिस्ट्रैक्शन यू आर अ यंग गर्ल बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है तो वॉट कीप्स यू सो फोकस्ड आई थिंक डिस्ट्रैक्शन इसे इसमें काफी नेचुरल भी है लॉट ऑफ देम कैन बी कंट्रोल्ड एंड लॉट ऑफ देम कांट बी मतलब इट्स वेरी नेचुरल इस एज में इवन मैं अपने साथ के क्लासमेट्स को देखती हूँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से मेरा लाइफ स्टाइल उनसे काफी डिफरेंट है विच हैज बीन सिंस बचपन से ही मेरी काफी उनसे अलग लाइफ स्टाइल ही थी एंड वाइल आई डिड सी अ लॉट ऑफ माई क्लासमेट्स स्पेशली लाइक मेरे दिल्ली स्कूल में या किधर भी आई मीन काफी अलग लाइफ स्टाइल थी आई वॉज ऑलवेज फोकस मोर ऑन प्लेइंग एंड ऑन स्टडीज सो दीज टू थिंग्स वर ऑलवेज द प्रायोरिटी एंड उसके बाद अगर कुछ टाइम मिलता था दैट वुड बी स्पेंट ऑन अदर थिंग्स सो समहाउ लकीली आई थिंक आई गॉट माई प्रायोरिटीज राइट एंड अ मेजर रीजन फॉर दैट वुड बी द अपब्रिंगिंग एंड द वे माई पेरेंट्स हैव यू नो उन्होंने बचपन से जिस तरीके का सिखाया है सो द प्रायोरिटीज वर ऑलवेज दीज टू थिंग्स एंड ऑब्वियसली उसके बाहर जो भी टाइम मिलता था दैट वॉज स्पेंट विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड यू नो गुड गुड टाइम्स विद देम सो अभी भी कॉन्स्टेंटली माई फैमिली ऑलवेज ट्राइज टू गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन सो दैट आई कैन यूटिलाइज दिस टाइम एज बेस्ट एज पॉसिबल इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन जैसे इवन लवराज जी ने कहा था कि हम अपनी ट्रेनिंग को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं होने दे सकते आप एक महीने का गैप कर लीजिए एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अप ऑल दैट फिटनेस अगेन सो इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई हैव ट्राइड टू यूटिलाइज द टाइम एज बेस्ट एज पॉसिबल वेदर ट्रेनिंग के लिए पढ़ाई के लिए और यू नो doing hobbies and getting to learn new things जो पहले जिनके लिए time नहीं मिला वो आप कर पाए about that proper so देखिए कुहू is a very good example हमारे सामने for the young girls out there कि देखिए कुछ भी हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है you have to be focused on your goal आपको अपनी distractions सबको overcome करके आपको अपना फोकस बिल्कुल वैसे ही रखना पड़ता है टू अचीव समथिंग सो वेरी नाइस कुहू एंड आप आगे अपने फोकस बना के रखिए सो दैट यू कीप डूइंग सो वेल सो नाउ आई कम अप टू लवराज जी के लवराज जी आप एट योर एज यू हैव अचीव सो मच आपके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं फैमिली कमिटमेंट्स भी हो सकते हैं सो हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग आपके हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है आपके अपनी फैमिली कमिटमेंट्स को कैसे करना है बीइंग अ फैमिली मैन ऑल्सो एंड तो आप कैसे रहते हैं इतना फोकस एंड हाउ डू यू मैनेज योर थिंग किसी भी गेम के लिए जो है आप हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है
और उसके अलावा आपका इंडोरेंस, आपका विल पावर, आपका फिजिकल फिटनेस, ये सब देखने के साथ साथ, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो बहुत अच्छे उससे आते नहीं है बैकग्राउंड से। और जैसे अभी कुकू ने भी बताया कि एक दिन में जो है ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का तो खाली सडनली उसका यूज होता है, तो बहुत एक्सपेंसिव, हर गेम बहुत एक्सपेंसिव है। और इतना हम लोग वर्कआउट करने में या अपना खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो हमें ऑफिस भी देखना होता है, अपने फैमिली भी देखना है, अपना रिलेटिव को भी देखना है कि मिडिल फैमिली में कैसा है, कि कई चीजें आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो सब को मैनेज करते हुए कंटिन्यू एक ये है, खान पान में भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब तक अच्छा फूड होगा, अच्छा और उसके अलावा आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, आपका क्लोथिंग बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ पे भी आप जा रहे, तो वो बहुत मैटर करता है आपके आपके साथ। क्योंकि आज एक नाइकी का आप रनिंग के लिए जूता खरीदते थे, 5-6 हज़ार से नीचे का आता नहीं है, नहीं आता और ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है जो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपको प्रैक्टिस करने में तो इसके लिए बहुत बहुत क्या करना पड़ता है, कई बार बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यही है कि मैं अपने आप को बैलेंस बना के करता हूँ, जैसे कभी ऑफिस से लेट आ जाते हैं किसी कारण से, तो फिर तब भी जो है हम लोग अपना टाइम निकालते हैं और करते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है किसी चीज को बिल्कुल पाने के लिए जो पानी है। के लिए तो जी, बिल्कुल सर बिल्कुल तो एज एक बहुत ज्यादा लिमिट नहीं इसका, एज डिपेंड करता है आप कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। 82 ईयर का जापानीज था, उसने भी एवरेस्ट किया था 2013 में, तब मैं भी वहां पे था, एवरेस्ट में था, तो मैंने उनको खुद देखा है, और उसका फिजिकल वो था कि वो उसने मेंटेन किया था। तो ये बहुत जरूरी है एक खिलाड़ी को, एक माउंटेनियर को, या किसी भी फील्ड में उसको अपना डाइट से लेके अपना फिजिकल से बैलेंस बना के चलेगा तो लॉन्ग टाइम तक जो है क्लाइंबिंग कर सकता है। माउंटेनियर का खास यही रहता है, आफ्टर 40 जो है वो ज्यादा मैच्योर क्लाइंबर होता है यंग यंग लोगों से भी, क्योंकि वो कई बार जा चुका है, तो उसका उस एल्टीट्यूड का जो है उसको आइडिया उसकी भी बॉडी रहता है, जो है और बॉडी अकस्टम होता करता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है तो अक्लेमेटाइज में काफी प्रॉब्लम आता है, तो वो जल्दी अडॉप्ट कर लेता है कि यूज टू आपकी बॉडी होता है एल्टीट्यूड के लिए, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये बहुत जरूरी है है। उसको। ठीक है सर, सो नाइस सर, ये तो बहुत जरूरी है, अपने आपको फिजिकली फिट रखना बहुत जरूरी है फॉर एनी स्पोर्ट टू टेक प्लेस। तो मैं कुहू से बात कर रही थी अभी कि कुहू एक बात बताइए, एज अ गर्ल क्या प्रॉब्लम्स आपने कभी फेस किए हैं बीइंग अ गर्ल? कोई पीयर प्रेशर और बेसिक प्रॉब्लम्स भी, इट्स अ कहते तो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पर आजकल ये फीमेल डोमिनेटेड भी हो गई है, बट कभी आपको लगा कि बीइंग अ गर्ल आपको कोई डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स फील हुए या कोई पीयर प्रेशर ऐसा फील हुआ ड्यूरिंग योर? सो आई थिंक हाँ, लाइक स्पोर्ट्स में आई थिंक मेनी टाइम्स विमेन स्पोर्ट्स को उतनी प्रॉब्ली नहीं मिलती है जितना मेन स्पोर्ट्स को मिलता है, उतने उतना सपोर्ट, उतनी फंडिंग, उतना जो लाइक एवरीथिंग विमेन स्पोर्ट्स को उतना नहीं मिलता है। हाउएवर आई थिंक बैडमिंटन इज लकीली थोड़ा उसमें फॉर्चुनेट है बिकॉज टू ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स आर साइना एंड सिंधु, इंडियन स्पोर्ट्स में ही दो सबसे बड़े आई थिंक नेम्स हैं, एंड सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रॉम द कोचेज और उससे उधर से कोई डिस्क्रिमिनेशन तो डेफिनेटली नहीं है। हाउएवर इन जनरल द एटीट्यूड ऑफ बॉयज नीड्स टू चेंज, स्पेशली लाइक आई प्ले मिक्स डबल, सो लॉट ऑफ टाइम्स ये जरूर होता है कि लड़कों को समवेयर लगता है कि दे आर सुपीरियर जस्ट बिकॉज दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, सो यू नो क्योंकि वो कोर्ट ज्यादा कवर कर रहे हैं या यू नो वो स्मैश ज्यादा तेज मार रहे हैं, सो समवेयर दे गेट दैट थिंग कि वी आर द सुपीरियर पार्टनर, बट इन एनी पार्टनरशिप यू आर टू इक्वल्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर एज एन इक्वल एज अ पार्टनर एंड यू कैनॉट ट्राई एंड डोमिनेट योर पार्टनर। सो एक जनरल आई थिंक इंडिया में जैसे है बहुत, मतलब हर लड़का ऐसा नहीं होता डेफिनेटली, बट एक थोड़ा जनरल ट्रेंड है जो कि समझने की एंड बेटर होने की जरूरत है टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देयर फीमेल पार्टनर्स, एंड यू नो लॉट ऑफ टाइम या वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लॉट ऑफ टाइम स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स जो अभी स्टार्ट आउट कर रहे हैं मिक्स डबल्स, यू नो उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट है, एंड लॉट ऑफ टाइम्स देर वुड बी थोड़ी डिमीनिंग टॉक भी होती है आई थिंक विच इज वेरी नेचुरल नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स बट एवरीवेयर आई थिंक इन इंडिया होती है वो, सो यू नो स्पेशली हॉस्टल्स में इसका कल्चर और ज्यादा हो जाता है, सो
things like that are there, and the coaches always, they're always trying to make it better. They're trying to, they're trying to improve the situation, but eventually a societal thing hai, and it needs to, you know, it needs to get better as a whole. Exactly. As a whole, pura theek hone ki zarurat hai. Only then it would be a better environment to practice in, because, you know, when things like this are going on and you're practicing with the same people every day, it's not a nice environment to be in. And you're all staying in that same hostel, you're surrounded by them, din raat aap un logo ke saath ho. So it, in general, the environment can get better. And I mean, the coaches are obviously trying. So that is there. And another thing, jaise ek maine aapko bola, thoda sponsorship wala hai ki women doubles ko to bilkul koi sponsor karta hi nahi hai. There's just like... मेडल का वैल्यू उतना ही रहेगा. एंड सो आप अगर 50 प्लेयर्स को मेन सिंगल्स में स्पॉन्सर कर दो, इवेंचुअली उनमें से भी 4 प्लेयर्स ही आगे आ सकते हैं. सो यू नो, इक्वली आपको सब इवेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहिए एंड नॉट जस्ट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज ऑफ वुमेन्स. आजकल गर्ल्स किसी भी फील्ड में कम नहीं है, सो दे शुड अंडरस्टैंड. अगर आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, उनको ग्रूम करें, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करें, यू फोकस ऑन देयर, यू नो, जिन एरियाज में प्रॉब्लम्स लग रही हैं, सो दे विल डेफिनेटली, व्हाई कांट दे डू एज वेल एज द बॉयज. वी हैव सीन लाइक इंडिया के सबसे टॉप परफॉर्मर्स इन बैडमिंटन हैव बीन वुमेन, वेदर इट्स बीन ज्वाला अश्विनी और साइना सिंधु. सो इफ यू नो, या अगर आप लड़कियों को उतना ग्रूम करें, उतना उनको फैसिलिटीज दें, उनके वीकनेसेस पे वर्क करें, दे कैन डेफिनेटली डू जस्ट एज वेल एज द बॉयज. सो थोड़ा दैट माइंडसेट नीड्स टू चेंज इवन फ्रॉम द स्पॉन्सर्स की साइड. या कू, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा था अभी, शक्ति मनोजा जी क्वेश्चन दे रही थी कि हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन स्टडी एंड बैडमिंटन प्रैक्टिसेस, आप कैसे बैलेंस बनाती हैं? हाँ, सो लाइक लकीली टिल माय 10th तो मुझे कभी स्टडीज में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड डिस्पाइट दैट आई वाज एबल टू score very good marks till my 10th. So matlab it was like bas school work regular I used to try and stay regular with my school work. Main classes apni sari acche se attend karti thi, paying attention to whatever the teachers are saying, and that was enough till class 10th. Obviously 11th 12th and then college it just gets tougher. So uske sath sath jaise maine pehle bola ki you prioritize and spend your time on the two important things which are currently for me wo sports and studies honge. So once in pe already I've done my part, if I have time I spend it on my leisure activities. So that is I think the way you can balance, and you know, then I think being an athlete my attention span is good, these things they help you, you know, my focus is good, I can grasp faster jo main padhti hu, main mujhe jaldi grasp kar lete hain. So, because you know, I think कि आपकी प्रायोरिटी है कि आपको करना है अच्छी तरह, तो आपको यू पे मोर अटेंशन कि मैं ज्यादा ध्यान से कवर कर लूँ ताकि मैं अपनी स्पोर्ट्स में ध्यान दे सकूँ. सो यू मैनेज बोथ थिंग्स सो ब्यूटिफुली. या तो अच्छा कुहू, एक बात बताइए कि कितना टाइम लगता है एक नॉर्मल प्लेयर को एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने में? हाउ मच टाइम डज इट टेक? I think it varies from person to person. मैंने comparatively badminton थोड़ा late start करा at the age of I think 9.5 or 10 maybe, I don't remember exactly. So मैंने थोड़ा late start किया. There are kids who start at 4 or 5, like I think लक्ष्य सेन है, उन्होंने तो 3-4 साल की एज पे ही स्टार्ट कर दिया होगा. सो सबका अलग अलग होता है, एंड बाय द टाइम प्लेयर्स नॉर्मली कम टू अंडर 15, दैट इज फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स अंडर 15 की एज ग्रुप से स्टार्ट होता है. मैं अंडर 15 में तो नहीं गई थी, बट मैं अंडर 17 की एज ग्रुप में इंडिया टीम में पहली बार सेलेक्ट हुई थी. एट द एज ऑफ 15 आई गॉट सेलेक्टेड इन द अंडर 19 टीम. सो फॉर मी आई कैन से इट टुक मी अराउंड 5 and a half इयर्स टू गेट सेलेक्टेड इनटू माय फर्स्ट इंडियन टीम, गेट सेलेक्टेड फॉर माय फर्स्ट टाइम इन द टीम एंड फॉर माय फर्स्ट इंटरनेशनल एज अ प्लेयर फ्रॉम द इंडियन टीम. सो या वेरी नाइस कू. मैं लेख ये लव लवराज जी से पूछना चाहूंगी कि कितना टाइम लगता है हमें माउंट एवरेस्ट के उस पे चढ़ने में, टू रीच द माउंट एवरेस्ट, हाउ मच टाइम डज इट टेक? वैसे दिल्ली से दिल्ली तक का यदि आप समझे तो 60 डेज लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, और बेस कैंप से डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे, वेदर कैसा है.
और लगभग 1.5 महीना तो लगता ही है टॉप और बेस कैंप आने में, और इस बीच में कई बार आपको एक्लिमेटाइज करना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो हमारे जो आदमी को जो बनाया गया है भगवान के द्वारा, तो वो 8,500 फीट 9,000 फीट में हम लोग अपनी बॉडी को कंफर्टेबल मानते हैं। उससे आगे जब भी जाते हैं तो बॉडी जो है आपको निगेटिव आपका जाने लगता है, आपका दर्द होने लगेगा, आपका भूख कम लगेगी, नींद कम आएगी, उल्टियां भी हो सकती है। तो अक्लेमेटाइज करने के लिए बॉडी को हमें बहुत कई बार अप डाउन करना पड़ता है। कैंप 3 ऑलमोस्ट 24,000 फीट पे जाके आपको वापस फिर 17,000 फीट पर आना पड़ता है कई बार, और लोग कैरी करके जाना पड़ता है, तो टाइम काफी लगता है, कई बार वेदर भी खराब हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना बेस कैंप से मान लो आप, और काठमांडू से बेस कैंप पहुंचने में 9-10 दिन लग जाते हैं। और बहुत टाइम लगता है सर। यदि आप बाई एयर नहीं जा रहे हैं तो आपको 19 दिन लग जाता है। यदि जीरी से जाते हैं आप तो 19 दिन तो बेस कैंप पहुंचने में लगता है। आजकल लुप्ता प्लेन जाती है तो 25 मिनट आप प्लेन का सफर करके उसके बाद फिर आपको 12 दिन लग जाते हैं। तो स्लोली या काफी एक्लेमेटाइज की बॉडी को करना होता है तो इतना टाइम लग जाता है। तो काफी टफ भी रहता है क्योंकि बॉडी को भी एक्यूरेट, इतने हाइट पे जाना है तो करना है, तो काफी दिन लग जाते हैं। इट्स अ बिग लॉन्ग प्रोसेस। अदरवाइज हाइल्ट्रू सिकनेस हो जाएगा, और बहुत सारे जो है डिजीज आपको घेर लेगा और क्लाइंबिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वीकनेस बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए जो है स्लो प्रोसेस होता है इसका। सर एक बात बताइए कि क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं हमें के ऊपर चढ़ने के लिए, कुछ कैसे कोई इक्विपमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स होती है, या ये क्लाइंबिंग में क्या चीजें हैं जो टफ हैं, कोई पीक्स हैं या कुछ ऐसा पार्ट होता है जो बहुत टफ होता है? व्हाट आर द टफेस्ट पार्ट्स? हाँ जी हर नेचर के साथ जो है फेस करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा है और हम उसके नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज है उसमें। कुंभ आइस फॉल आता है तो हर माउंटेन जो है अपने आप में डिफिकल्ट है। और यदि एवरेस्ट की मैं बात करूं तो एवरेस्ट में स्टार्ट में कुंभ आइस फॉल आता है जिसको किलर ग्लेशियर भी कहते हैं। पता नहीं कब हाँ कहाँ जी से टूट जाए, कहाँ से अवलांच आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इक्विपमेंट की बात करूं तो इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 5 लाख 4 लाख का आता है। सारा आपको यूरोप से या यूएसए से रशिया से परचेज करना होता है। एक क्लाइंबिंग बूट का भी कॉस्ट जो है 40-45,000 रुपीज आता है, और जो सूट है वो आपका जो है 75,000 आता है। और ऐसी क्रेम्पोन तो इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है आपके लिए जरूरी, जिसमें से बूट क्लाइंबिंग बूट बहुत जरूरी है, क्रेम्पोन उसके ऊपर एक पीठ वाला लगता है जितना आइस में जाने के लिए वो बहुत जरूरी है, और आपका ग्लव्स जो आपका ग्लव जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए माइनस टेम्परेचर के। वहां पे माइनस कई बार जब विंड बहुत तेज होता है तो माइनस 20-25 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर चला जाता है। तो इसलिए हाईली टेस्टेड इक्विपमेंट होता है और सारे महंगे इक्विपमेंट है, तो बहुत बहुत जरूरी है इक्विपमेंट का अच्छा होना। किसी भी गेम में भी है वो, आपका अच्छा इक्विपमेंट होगा तो उससे आपको आपका बेटर परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होगा। परफॉर्मेंस होगा। अच्छा सही क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। एक तो किसी ने अभी फेसबुक यूजर ने पूछा है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, व्हेन इज योर नेक्स्ट प्लान टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, आपका नेक्स्ट प्लान कब है? नेक्स्ट प्लान बहुत बड़ा प्लान था हमारा जो कोरोना के चक्कर में जो है सारा प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए चल रहा है। हमारा ऑल पैरामिलिट्री फोर्स का जो है एक टीम जा रही है जिसमें मैं डिप्टी लीडर क्लाइंबिंग लीडर हूँ, और हमारा लीडर जो है रघुवीर लाल IPS हैं, IG वो हमारे लीडर हैं, अच्छा और नोडल एजेंसी का CRPF है। तो बहुत सब कुछ तैयारियां हो गई थी। मार्च 25-26 तारीख को हमारा फर्स्ट टीम ने जाना था और मार्च 30 को हमने जाना था यहाँ से, पर वो कोरोना के उससे जो है एवरेस्ट भी बंद हो गया। तो नेक्स्ट ईयर का प्लान है, तो नेक्स्ट ईयर ये बहुत बड़ी बड़ा एक्सपीडिशन होगा, पहला एक्सपीडिशन होगा ऑल पैरा मिलिट्री फोर्स का। और हाँ इसके जी अलावा भी कुछ हैं जो आने वाले टाइम में करेंगे हम लोग, जो हमारे BSF का अपना है जो पाइपलाइन में चल रहा है ऑलरेडी, तो आने वाले टाइम में BSF का अपना भी एक बहुत बड़ा एक्सपीडिशन लॉन्च होगा। तो
आने वाले टाइम में, जिस पे काम चल रहा है अभी। यस सर, एक और फेसबुक यूजर ने आपके लिए क्वेश्चन भेजा है कि क्या बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है टू स्टार्टअप माउंटेनियरिंग। सर, व्हाट इज द बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड? बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स बहुत जरूरी है और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स बहुत जरूरी है। जो जो कोर्सेज हैं वो कोर्स करने से ये फायदा है कि आप अपने आप को भी सेव कर सकते हैं और अपनी टीम को भी सेव करते हैं। आजकल क्या है कि आजकल अब एक्चुअल ट्रू माउंटेनियर बहुत कम रह गए हैं। अब जिसके पास पैसा है वो एवरेस्ट के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो फर्स्ट बार एवरेस्ट आया उसके बाद वहीं पे उन्होंने अपना इक्विपमेंट बेच दिया, बोला आप मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एवरेस्ट अचीव कर लिया, आप मुझे जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत होगी और बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये भी है कि मैं एवरेस्ट चढ़ के आऊंगा तो मैं अपने बिजनेस को जो है आगे बढ़ाऊंगा, मेरे को एक कोई एजुकेशन में जिसका कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, इस टाइप के एक दो लोग मिले थे जो जिन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग जब मेरे इंस्टीट्यूट में जो है नए नए लड़के आएंगे और तो मैं उनको बोलूंगा कि देखो मैं एवरेस्ट करके आया, तो उनका फोकस था कि बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो ऐसे लोग भी काफी आ रहे हैं, इनकी संख्या ज्यादा होगी इस टाइम में। वो एक्चुअल क्लाइंबर काफी लोग जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट, आई थिंक कुछ ट्रेंड भी नहीं होते तो भी जा रहे हैं। सो उनको पूरा और टोटली जो है शेरपा पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्लाइंबर को तो मैं बोलूंगा कि सुसाइडल अटेम्प्ट बोलूंगा इसको, ना इसको बोलूंगा कि अपने आप के लिए भी मौत को दावत देने वाली बात है और अपने साथ वाले को भी मौत को दावत देने वाली बात है। तो ये आप YouTube में जाएंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे घटनाएं मिलेंगी। हाँ जी सर, 2017 में जो पिछले दिनों में काफी पढ़ने में आ रहा था ये सर कि काफी डेथ्स भी हो रही है। ये अच्छा नहीं है कि आपका जिस फील्ड में आपका पैशन है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग यदि आपका है तो आप बहुत के लोगों को लिए भी और अपने युवाओं के लिए भी आप अच्छा वो कर सकते हैं, इसलिए ट्रेनिंग मस्ट है और वो करना चाहिए लोगों को। सो दिस इज अ वेरी बिग एडवाइस फॉर पीपल आउट देयर जो माउंट एवरेस्ट क्या किसी भी माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन पे जाना चाहते हैं कि बिना ट्रेनिंग के बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज इट इज अ किलर अटेम्प्ट। कई लोगों की डेथ्स हमने सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो प्लीज आप जब भी जाइए एक अच्छी तरह ट्रेनिंग कर अंडर द राइट गाइडेंस ऑफ अ कोच ही जाइए। ये आज का सबसे बड़ा टिप है जो लवराज जी के थ्रू हमें मिला है। सो अब मैं बात करूंगी कुहू से। कुहू, एक बात बताइए कि व्हाट स्पेशल डाइट डू यू टेक? आप क्या स्पेशल खाते हैं, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत इंड्योरेंस चाहिए। सो व्हाट स्पेशल डाइट डू यू टेक, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, क्या लेते हैं आप? हाँ, सो फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन लाइक आई सेड कि आजकल टेक्निकल के अलावा एवरीथिंग एल्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक पॉइंट के बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप कितना भी ट्रेनिंग कर लो इफ योर डाइट इज नॉट गुड सो नॉट बी एबल टू यू नो गेट फिटर गेट स्ट्रॉन्गर। सो आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई डू ईट एग। सो बेसिकली अपने बॉडी कॉम्पोजिशन एंड अपने बॉडी वेट basically it's all about that, you know, post training up you would want some carbohydrates and protein so that jo muscles ne work kara hai unko unke liye replenishment ho raha hai and it helps in building the muscle. Pre training would be carbs kyunki aap ja rahe ho so you need fuel, so it's always like that pre training post training then aapke matches ke timing pe depend karta hai what sort of a meal you're having and सो इट्स बेसिकली बॉडी वेट कितना है, क्या कॉम्पोजिशन है, अकॉर्डिंग टू डैट आपको कितने ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना है। सो देर कैन बी डिफरेंट वेज नाउ, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो अलग तरीके से कॉम्पनसेट करते हैं। मी बीइंग अ वेजिटेरियन आई गेट माय प्रोटीन फ्रॉम आइदर पनीर और यू नो कर्ड और टोफू, हाँ तो या दाल राजमा। तो आपने कभी नॉन वेजिटेरियन बनने का नहीं सोचा? नेवर थॉट ऑफ शिफ्टिंग टू बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन? मुझे एक्चुअली मेरे काफी कोचेज ने भी ये चीज बोली, बट आई ऑनेस्टली डिडंट फील लाइक इट। वो मतलब आई कुडंट रियली यू नो स्टार्ट ईटिंग नॉनवेज, क्योंकि काफी प्लेयर्स हैं ये सानिया वगैरह, इन लोगों ने अपने आप को चेंज किया। यस, मैंने इस पे काफी रिसर्च किया। सो आई फील कि वेदर आपकी वेजिटेरियन डाइट है या वेगन डाइट है या नॉन वेजिटेरियन डाइट है, देयर आर इनफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन ईच एंड एवरी डाइट। इट्स ऑल अबाउट द अवेलेबिलिटी। प्रोबेबली साइना के टाइम पे
उनके टाइम पे मे बी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, शी वॉज ट्रेवलिंग टू चाइना एंड आई थिंक उनके पास खाने के लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं था, सो शी देन दैट्स हाउ शी स्टार्टेड ईटिंग नॉन वेज. सो इट्स यू नो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग यू आर फॉलोइंग सिक और आप अच्छे से आपका आप स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रहे हैं, देन येस दैट इज एन इशू, यू नीड टू रेक्टिफाई दैट. बट हाँ जी आई थिंक हर डाइट में आपको इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, यस गुड फैट्स एंड ऑल योर विटामिन मिनरल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि आप यू आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट, उसमें सब कुछ इन द प्रॉपर क्वांटिटीज इज देयर, दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. या सो एंड ऐसा कुछ डेफिनेटली नहीं मैंने होता. ट्रैवल थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होता है वेजिटेरियन फूड ढूंढने के लिए, या बिकॉज ट्रैवलिंग में टाइम बाहर मुश्किल इतना, आता है. हाँ, इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, बट आई मीन इट इज अवेलेबल. यू पुट इन थोड़ा सा आप एफर्ट डालो, आपको सब मिल जाएगा, इट्स नॉट एन इश्यू. वेरी नाइस. सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बी अ नॉन वेजिटेरियन इफ यू वांट टू हैव दैट स्ट्रेंथ, क्योंकि वेजिटेरियन या डाइट आई में भी आपको मीन सब कुछ. वी हैव वेगन बॉडी बिल्डर्स एंड ऑल, मतलब इफ यू लुक या अप आजकल दैट, तो बहुत एंड बहुत हाँ, ऑप्शंस अवेलेबल हैं अब. बहुत ऑप्शंस हैं. इट्स जस्ट दैट या थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा ढूंढने के लिए, अपना एक यस रूटीन फाइंड आउट करने के लिए कि कितना, मे बी थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा खानी पड़ेगी, बट यस इट्स इट इट वर्क्स आउट. या या तो ये लवराज जी से भी पूछते हैं कि इनको भी कुछ स्पेसिफिक डाइट खानी पड़ती है. सर आप बताइए कुछ स्पेशल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन. ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे इसमें भी, माउंटेनियरिंग में भी. डाइट नॉर्मल जैसे हम लोग दिल्ली में है या फिर 10,000 फीट से नीचे के आल्टीट्यूड में है तो कुछ भी खा सकते हैं उसमें, नॉन और वेजिटेरियन जो भी है उसमें चल जाता है. लेकिन जब आप एक एक्सट्रीम एल्टीट्यूड में जाते हैं 15-16 हज़ार फीट से आगे तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है. तो आप यदि नॉन वेजिटेरियन है और तो उसको पचाने के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ताकत बहुत बिल्कुल लगती है उसमें. इसलिए जो जल्दी डाइजेस्ट करे ऐसा खाना हमें खाना चाहिए. लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे सूप है, चॉकलेट है, गर्म पानी है, इसके साथ एनर्जी बार आते हैं तो बहुत सारे आउटडोर फूड्स आते हैं उसको लेना बहुत जरूरी है. कार्बोहाइड्रेट है और आलू आलू का है उस एल्टीट्यूड में. अदरवाइज क्योंकि ऑक्सीजन कम होने से आपको बहुत सारे आपका लूज मोशन हो सकता है. ज्यादा आप यदि नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, फिश, चिकन, मटन खाते हैं, एक एल्टीट्यूड में हम लोग काफी खाते हैं, लेकिन ज्यादा एल्टीट्यूड में हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके, डाइजेस्ट पच हो सके. जाए और जिसमें जो है एनर्जी भी कम लगे. तो अदरवाइज आपने भी देखा होगा जिस दिन हम लोग कुछ हैवी खाना खाते तो उस दिन अनईजी सा महसूस होता है. तो बिल्कुल उस सर, एल्टीट्यूड बिल्कुल. में तो ऑक्सीजन बहुत कम है और इसलिए जो है एक बैलेंस आपको फूड लेना होता है. ज्यादातर लिक्विड चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि आपकी सांस बहुत चलता है वहां पर, फूलता है तो भाप बहुत ज्यादा निकलता है. तो जितना भी लिक्विड चीजें हम खाएंगे, दाल है, सूप है और ब्लैक टी है, क्योंकि दूध वाले चाय में बहुत सारे लोगों को जो है एसिडिटी करता है, तो ब्लैक टी इस तरह से हम लोग लें तो वो जो है ज़्यादा अच्छा रहता है. तो लिक्विड चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, दाल हाल इस तरह के ज़्यादा यूज करते हैं, सूप है सर, आप लोगों के लिए दोनों के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं पहले आपसे ही पूछती हूँ सर कि ये आपने मई 2012 में आपने एवरेस्ट को सबमिट किया था एज ए मेंबर ऑफ द इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन विच ऑल्सो फोकस्ड ऑन क्लीनिंग द माउंटेन. तो हमारे यहाँ मैं आशीष गर्ग जी ने आपके भेजेंगे सबमिट्स, तो काफी वेस्ट जनरेट, हाँ जी, ये ना लोग हर माउंटेन में. काफी वेस्ट, हाँ जी, हाँ तो मैं जब मैं थर्ड टाइम गया था 2009 में, तब मेरे को थोड़ा मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे इन्वायरमेंट से तो मैं पहले से जुड़ा हुआ था, तो मेरे को ये लगा कि एवरेस्ट में भी हमें कुछ करना चाहिए. और हमने काम किया और 2012 में, 2013 में और 2017, 2019 में मैंने टोटली इसी पे काम किया और बहुत सारे वेरी गार्बेज हम उठा के लाए, लोगों को भी बताया इसके बारे में, कार्बेज उठा के लाने के बारे में. और
2017 में तो पहली बार ऐसा था कि 21,000 फीट से हम लोग जो है 1,000 केजी गार्बेज जो है बेस कैंप तक उठा के लाए, जिसमें पहली बार जो है हेलीकॉप्टर की उस एल्टीट्यूड में जो है हेलीकॉप्टर की सहायता ली गई और नेपाल टूरिज्म ने बहुत सपोर्ट किया। हेलीकॉप्टर अक्सर जो है उस एल्टीट्यूड में सिर्फ रेस्क्यू के लिए जाता है, तो हमने स्पेशल परमिशन हमें मिला नेपाल गवर्नमेंट से और बहुत सारे गार्बेज हमने उठा के लाए और उसमें बहुत सारे एंटिक एंटिक भी थे। जैसे 2018 की बात करूं मैं तो मेरे को एक 72 का जो ऑक्सीजन सिलेंडर मिला जो मैं यहाँ भी लेके आया और 2019 में मेरे को जो है जब 1953 में जब सर एडमिन हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जी गए थे तब उनका उडन का जो है लेडर होता था, आजकल तो एल्युमिनियम का लेडर होता है, तो उडन का एक पीस मेरे को मिला था जिसमें 1953 लिखा हुआ था। अरे वाह सर। और जो उसको करने के लिए रंदा बोलते हैं ना जिसको, वो भी मेरे को 2018 में जो है मेरे को रंदा भी मिला लोहे का जिससे वो भरते, तो उस एल्टीट्यूड में उस जमाने में जो है इतना टफ था उस जमाने में कि वो वहां पे उसको भी लेके जाते थे, कारपेंटर का सामान भी लेके जाते थे, वो कील हिल जाते थे, तो वो एक बहुत बड़ा होता। वो हमने सामान कलेक्ट किया और उस कुछ जो एंटिक पीसे थी उनको हमने जो है काठमांडू में दिया। आज वो काठमांडू में एक यूनिवर्सिटी है काठमांडू में जो नेपाल यूनिवर्सिटी है उसमें जो है वो एग्जीबिशन लगता है। आज वहाँ पे टिकट सिस्टम है, लोग टिकट लेके जाते हैं उस म्यूजियम में और उसमें बहुत सारे सामान हम लोगों ने दिया, तो एक बहुत बड़ा वो था। और कुछ मैं मेरे पास भी हैं एंटिक चीज़ें जो यहाँ पे मैंने भी लेके आ रखा है। तो क्लीनिंग का मतलब हमारा ये था कि साफ भी होगा और कुछ नए जनरेशन को पता लगेगी उस जमाने में किस कैसे सामान यूज करते थे, वो सब टाइम के गैस सिलेंडर कैसे ऑक्सीजन क्या कहते हैं खाना पकाने के बर्तन और ऑक्सीजन सिलेंडर कितने भारी थे उस समय के क्रैम्पॉन कैसे थे, वो सब आज जो है वो लोग देखेंगे उसको और आने वाले टाइम में भी देखेंगे लोग। तो ये एक मेन मकसद था एनवायरनमेंट को बचाने का भी और लोगों ने इस पे साथ भी दिया और अच्छा हुआ है, तो आने वाले टाइम में भी इसी में मेरा फोकस है। मैं कुबू से पूछ रही थी सर, इनका एक फेसबुक यूजर का क्वेश्चन आया था कि कुबू आपके जो जैसे फील्ड में है जितने भी आप लोग तो ट्रेन करते हैं, डू यू नीड टू कंसल्ट अ डाइटिशियन, आपके स्पेसिफिक डाइटिशियंस होते हैं जो आपके डाइट्स प्लान करते हैं या? हाँ, लाइक आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू कंसल्ट अ डाइटिशियन, क्योंकि क्योंकि अगर आप डाइटिशियन कंसल्ट करोगे तो वो आपके स्पेसिफिक बॉडी के हिसाब से दे कैन गाइड यू कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपके गोल्स के हिसाब से कि किसी का हो सकता है वेट लॉस का थोड़ा गोल हो, फैट लॉस का गोल हो, किसी का स्ट्रेंथ गेन का गोल हो, तो सबके अलग अलग गोल्स होते हैं एंड सबका अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सो डाइटिशियन कैन गाइड यू कि आपको उस हिसाब से किस तरीके की डाइट रखनी चाहिए। देन जो अभी जैसे मैंने भी बताया प्री ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग देन एक सेकेंड प्री ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग देन ऑल्सो क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, वो सब आपको डाइटिशियन इसमें बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जो ये सब नॉलेज मुझे भी उनसे बात कर करके ही आई है, पहले मुझे भी नहीं पता था ऑब्वियसली, सो आई थिंक डाइटिशियंस कैन प्ले अ वेरी गुड रोल। वो आपको ऑप्शंस भी बता सकते हैं कि क्या एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एंड मैंने तो एक चीज़ डेफिनेटली देखी है कि जब मैंने अपनी डाइटिशियन की काफ़ी एडवाइस फॉलो करी थी, स्पेशली जो ये प्री ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग वाली चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स, मुझे उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था। मैं मैच के टाइम बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, लाइट फील हुआ, ऐसा भी कहीं नहीं हुआ कि मुझे हैवी फील हो रहा है। सो आपको हाँ, अगर आप एक प्रोफेशनल से हेल्प लेंगे सो डेफिनेटली उनकी नॉलेज बहुत है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी एंड वो लोग भी आपकी बॉडी टाइप को समझ के आपके लिए स्पेसिफिकली एक प्लान बनाते हैं। सो आई थिंक आजकल तो ज़्यादातर प्रोफेशनल एथलीट्स दे आर कंसल्टिंग डाइटिशियंस। बिल्कुल, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ डाइटिशियन सो दैट आपका प्रॉपर डाइट हो, आपका प्रॉपर सिस्टम से कर सके। हाँ, एक बात बताइए, यू आर अ वुमेन प्लेयर, गर्ल प्लेयर हो, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? क्या आजकल वुमेन हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट? आई थिंक स्पोर्ट्स इज अ मीडियम, लाइक वेरी गुड मीडियम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड इसके थ्रू स्पोर्ट्स ने दिया है लड़कियों को, इवन छोटी छोटी जगह से लड़कियों को बाहर आने का एक मौका दिया है, उनको अच्छा
अपने लिए एक नाम बनाने का मौका दिया है, अपना लाइवलीहुड बनाने का मौका दिया है. सो स्पोर्ट्स इज डेफिनेटली हेल्पिंग विद दैट बहुत ज़्यादा. एंड आई मीन आजकल जैसे जॉब्स स्पोर्ट्स के थ्रू मिलते हैं, सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. एंड नॉट जस्ट दैट, आप पर्सनली भी आप इतना पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग अ स्पोर्ट, व्हेन यू टेक अप अ स्पोर्ट. सो इट मेक्स यू फील गुड. वो एक खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. बिल्कुल बिल्कुल, सो नाइस. और मैं यही लवराज जी से पूछूंगी कि सर आपकी तो वाइफ भी एक माउंटेनियर है एंड वो भी एक्सपीडिशंस में जाती हैं. सो सर आपका वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या ख्याल है सर? हाउ व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं सर, क्या आजकल वुमेन हर मैं तो इक्वली मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वुमेन ने जो है बहुत सारे अचीवमेंट किया है. एग्जाम्पल कुकू है, यहाँ पे इतने कम एज में इतना अचीवमेंट किया उन्होंने अपने बैडमिंटन क्षेत्र में. इसके अलावा भी बहुत सारे लड़कियाँ जिनसे हेमा दास थी, बहुत उसके बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं थी पर उसने बहुत अच्छे अचीव किया. और यदि आप साइंटिस्ट के उसमें देखें तो कल्पना चावला थी और सुनीता विलियम हैं अभी जिन्होंने इतना स्पेस में जो गई थी. और एग्जांपल आपके सामने ही है, कुकू है और मेरी वाइफ भी है रीना रीना, और जिसने 900 किलोमीटर स्की करके जो है साउथ पोल पहुंची कोर्स टू अंटार्कटिका. और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्हें क्या वो संगीत में देखिए, स्पोर्ट्स में देखिए या साइंस के उसमें देखिए, तो हर फील्ड में जो है लड़कियों का बहुत बड़ी भूमिका है. तो इक्वली मानता हूँ इसमें. और मैरी कॉम को देखिए आप, बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल है. रीना देहरादून में रहती है तो वहाँ पर इन्हें घूम दून घूम करके एक उनका एक ग्रुप है जो हर वीकेंड में सैटरडे संडे या फिर छुट्टी के दिन में जो है वो लोग नजदीक के गाँव में ट्रैक करते हैं और वहाँ के गाँव के लोगों को वहाँ के लेडीज को बताते हैं जो कि भाई उनको उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर सफाई के मामले में है और इन्वायरमेंट के विषय में वो बताते भी हैं और घूम के भी आते हैं. तो आज भी बल्कि वो ट्रैक में गए हुए हैं तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको घूम करके, बड़ा अच्छा हुआ है. तो 8-10 किलोमीटर वो लोग जाते हैं और नजदीक के गांव वालों को भी बताते हैं वो लोग इन्वायरमेंट के बारे में. तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मैं तो इसलिए मैं इक्वली मानता हूँ. यदि आप माउंटेनियरिंग में भी देखें, अंशु करके एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की है जिसने एवरेस्ट को सबसे कम टाइम में 2 बार किया, वर्ल्ड की पहली लड़की है. और उसके अलावा भी जो है एक शेरपा लड़की है छुड़मी करके, उसने 2 बार सबसे कम टाइम में एवरेस्ट किया. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है. बहुत अच्छा है. वुमेन शुड ऑलवेज प्रूव, वुमेन हैव ऑलवेज प्रूव्ड देयर मेटल. एंड आगे अगर हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट से एक अच्छे माइंडसेट से चले तो देयर इज नो लुकिंग बैक. एक बात बताइए कुहू, आप बताइए कि आप अपनी जो सक्सेस है कितना उसको आप अपनी मेंटल हेल्थ से एट्रीब्यूट करती हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है आपकी गेम के टाइम. सो हाउ मच डू यू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू मेंटल हेल्थ? आई थिंक मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप फिजिकली और टेक्निकली कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, इफ आप उस दिन मेंटली स्ट्रांग नहीं है सो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो मेंटल स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वही डिसाइडिंग फैक्टर बनता है जीतने और हारने में. और यू नो नॉट जस्ट मेंटल स्ट्रेंथ बट इवन एक बेसिक मेंटल यू नो जैसे कामनेस हो गए या आपका फोकस हो गया, हाँ स्टेबिलिटी, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आप कोर्ट पे जब तक कि आपको जोन में जाने की जरूरत पड़ती है तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं. वो जोन में आप ओनली ऑन योर बेस्ट डेज, जब आप मेंटली अपने बेस्ट टाइम खेल सकते हैं. तो किसी दिन आप अपने मेंटली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं
तो इवन इफ आप फिजिकली अपनी टॉप कंडीशन में नहीं है, एज लॉन्ग एज मेंटली आप अच्छे हैं, आप गेम उस दिन निकाल सकते हैं. दैट इज मोर फेवरेबल फॉर यू, रादर कि आप अपनी फिजिकली और टेक्निकली बेस्ट कंडीशन में हो, बट आप मेंटली उतने अच्छे प्लेस में नहीं हो. हाँ, सो आई थिंक फॉर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो मेंटल स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्पेशली आप जितना ज्यादा बड़ी लेवल पे जाते जाते हो, उतना ही ज्यादा मेंटल गेम होते जाता है. तो सर लवरा जी, आप बताइए, आप क्या कहते हैं कि हमारे मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है आपके इसमें जाने वक्त? हाउ स्ट्रांग यू हैव टू बी मेंटली, बिकॉज कितनी डेथ्स हो जाती है सर रास्ते में, कितनी मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं सर. जैसे कुकू ने बताया कि बहुत जरूरी है मेंटल स्ट्रांग होना, तो वही माउंटेनियरिंग में भी है। और बाकी गेम में तो क्या कि दर्शक सामने होता है और दर्शक का उत्साह भी रहता है खिलाड़ी के ऊपर, और ये देखने वाले होते हैं, तालियां बजाने वाले होते हैं। पर माउंटेनियरिंग में ऐसा नहीं है। माउंटेनियरिंग में आपको सिर्फ आप आपके लोग ही आपको देख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें विल पावर फिजिकल तो आपको चाहिए चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके अलावा मेंटल का आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, साथ में विल पावर। हम लोग माउंटेनिंग उसमें बोलते हैं विल पावर बहुत जरूरी है आपको, कि कई बार ये होता है कि एक 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 एल्टीट्यूड में आपको बहुत तेज हवा मिलता है और कुछ दूर बाद जो है आपको हवा कम हो जाता है। तो ऐसे जगह में डिसीजन लेने का आपको जो है बहुत क्विक डिसीजन आपका होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप स्ट्रांग होंगे, आपके विल पावर होगा, और वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज कई बार ये होता है कि माउंटेनियरिंग में मैं बोलता हूँ कि समिट फीवर, कि क्लाइंबर को एक ही चीज दिखता है, फोकस वो करता है कि भाई मेरे को टॉप में पहुंचना है। तो बिल्कुल सर, जबकि फिजिक को अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मेरे को टॉप में जाना है। वो उसको शेरपा या उसके गाइड उसको बोलते हैं कि नहीं, अब नहीं होगा, टाइम ज्यादा हो गया, ये तो वो मानता नहीं। उसको बोलता हूँ मैं समिट फीवर। तो ऐसा हमारे उसमें जब वो डेंजरस हो जाता है, तो विल पावर के साथ साथ आपको मेंटल तो चाहिए, फिजिकल चाहिए, प्लस आपको डिसीजन लेने की क्षमता होनी क्षमता चाहिए भी कि होनी चाहिए, राइट टाइम में राइट डिसीजन आपको प्रेजेंस लेना ऑफ है, वेदर माइंड एंड क्विक डिसीजन मेकिंग. का नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सर. एक जरूरी बात है। बताइए सर, कितने बारी आप गए ऊपर माउंट एवरेस्ट पे, गए और भी पीक्स की, सर कभी कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपका मन गया नहीं अब मैं, या शुरू शुरू में होता होगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, जब आप शुरू में अपने पहले ट्राइंग वाले डेज में आप कर रहे थे, कभी यू वॉन्टेड टू कम बैक और आपने कहा नहीं आई विल लूज, मैं जा रहा हूँ, आई विल नॉट डू इट, सर कभी ऐसा फीलिंग आया? तो आपने कैसे अपने आपको इतना सर स्ट्रांग रखा, अगर कुछ ऐसा आया फीलिंग कभी? बहुत कई बार हुआ ऐसा। जैसे 2009 की बात बता रहा हूँ, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की टीम थी, उसमें मैं डिप्टी लीडर था, क्लाइंबिंग लीडर था। तो अवलांश बिल्कुल हमारे सामने आया, और दो हमारे मेंबर को जो है, एक को आइस लगा, एक का रुकसक के पीछे फ्लास्क रखा था स्टील का थर्मस, उस पे हिट हुआ तो वो थर्मस पूरा पिचका दिया था उसने। यदि वो थर्मस के बजाय में सिर पे हिट होता, यदि और जगह में, तो बहुत चोट आना था। और एक और अवधेश भट्ट करके था, उसको भी उसके भी पीठ में पूरा आइस लगा, बहुत चोट आई। तो उसमें तीन तीन लोग उसमें फंसे थे, एक शेरपा एक्सपायर भी हो गया था। तो इतना बड़ा अवलांस था वो कि पूरा बेस कैंप तक तो पहुंचा। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आया जब लगता था कि नहीं नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा लगता था। पर नेचर ऐसा है कि मैं नेचर के करीब जाना मेरे को ज्यादा पसंद आता है। और 2015 में जब भूकंप आया था, तब मैं एवरेस्ट में था बेस कैंप में, और वो इतना डर था वो कि मेरे को 6 महीने तक उस डर से बाहर निकलने में लगे लगा। दिल्ली आके भी मैं कई बार बेड में होता था ना, कई बार मेरे को रात को लगता था कि भूकंप आ गया जैसे, तो बहुत मुश्किल ओहो से मैं उस सदमे से बाहर निकला। तो बहुत टाइम ऐसे सिचुएशन आता है, जब आपको सामने आपकी टीम होती है, आप लीड कर रहे हैं और टीम का पूरा बैलेंस बनाना है, आप एक हैजर्ड से जा रहे हैं। तो जब 1 बजे रात को हम लोग बेस कैंप से खुम्बो आइस फॉल के लिए निकलते हैं, जब मेरी टीम निकलती है, तो एक एक पल मेरे को देखना पड़ता, कहीं पर छोटी सी आवाज भी आ रही तो मैं टेंट से बाहर निकलता हूँ कि कहीं उधर तो अवलांस नहीं आया। तो बहुत सारे मेंटल प्रेशर बहुत बिल्कुल होता सर, है, उसके साथ साथ ही आपको मेंटली स्ट्रांग होना करना बहुत पड़ता जरूरी होता है। ये कई
बहुत बार होता है ऐसा, पर वही है विल पावर जो मैं बोल रहा हूँ विल वो पावर बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग होना होनी चाहिए, चाहिए। डिसीजन मेकिंग आपका होना चाहिए। सर मैं कुहू से भी पूछ रही थी कि कुआ कभी आपके टाइम में ऐसा पॉइंट आया कि आपने इतने इंटरनेशनल गेम्स खेले, इतने लेवल पे गए, कभी ऐसा आया कि यू वांटेड टू क्विट कि अब मैं नहीं करूंगी, ये नहीं हो सकता है, द एनवायरमेंट इज नॉट गुड, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कई बार पीयर प्रेशर, एनवायरमेंट, कई बार लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है, सो वॉज देयर एनी टाइम जब आपको लगा कि आई डोंट वॉन्ट टू, आई वुड जस्ट वॉन्ट टू क्विट, एंड हाउ डिड यू? डेफिनेटली ऐसे मोमेंट्स आते हैं, स्पेशली जब आप थोड़े टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, आप अपना आप एफर्ट डाल रहे हो बट उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेफिनेटली थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है एंड डिमोटिवेटेड फील होता है। ऐसे टाइम पे मेरा भी बहुत बार हुआ है कि मेरा गिव अप करने का मन हुआ है, बट मैंने मतलब फैमिली के सपोर्ट, आई थिंक दैट हैज बीन वेरी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल, उसकी वजह से उन्होंने समझाया है, उन्होंने ऐसे भी मोटिवेट किया है कि इतने साल की मेहनत है, एक सेटबैक से उसको वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, एंड हाँ तो दैट इज द वे आई थिंक वापस आने के लिए। वो आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है आशीष गर्ज जी का, कि वो कह रहे हैं कि आपने काफी लॉरल्स जीते हैं, यू वन सो मेनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते हैं, इंटरनेशनली नेशनली आपने हमारी कंट्री को, उत्तराखंड को, देहरादून को प्राउड फील कराया है, सो आप क्या एडवाइस देती हैं या टिप देती हैं देहरादून के बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जो उन्नति, दिव्यश्री, हिमांशी जो अभी सीनियर लेवल में पहुंची हैं, सो उनको आप क्या देंगी अपनी तरफ से टिप्स कि वो अच्छा और परफॉर्म करे, एंड आपकी ऐसी क्या एडवाइस है जिससे उनको बेनिफिट मिले? हाँ मतलब बेसिकली जितना आप सीनियर्स होते जाओगे और टफ ही होते जाता है जूनियर्स में, मैंने भी सीनियर आने के बाद ही रियलाइज किया कि जूनियर्स में लाइफ बहुत कम कॉम्प्लिकेट लेस कॉम्प्लिकेटेड थी एंड मच इजियर थी, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन लिमिटेड है एंड सब कुछ काफी लिमिटेड रहता है। सीनियर्स में आके सडनली एक आप एक्सपोज होते हो कि आप बेसिकली सब लोग सीनियर्स में खेल रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है, एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसहार्टन नहीं होना चाहिए कि सीनियर्स में आके अगर तुरंत परफॉर्मेंस नहीं आती है, थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना चाहिए कि टू एडजस्ट टू यू नो सीनियर्स के लेवल के लिए, एंड साथ साथ अपनी मेहनत कंटिन्यू करनी चाहिए, मेहनत और भी ज़्यादा करनी चाहिए राधा, अगर आप सीनियर्स में आके भी खेलना कंटिन्यू कर रहे हो सो आपका एवरीथिंग हैज टू बी, यू हैव टू मेकअप योर माइंड, अगर आप सीनियर्स में भी खेलना चाह रहे हो देन यू हैव टू गिव योर ऑल, आपको अपना डाइट, अपना फिटनेस, अपनी मेंटल हेल्थ सब चीज़ों का इक्वली ध्यान रखना पड़ेगा, आपको और प्रोफेशनल बिहेव करना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, एंड देयर इज गोइंग टू बी इवन लेस टाइम फॉर दी डिस्ट्रैक्ट सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस, सो जितना आप सीनियर्स में आओगे उतना टफ होगा, उतना आपको और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सो इट डजेंट मीन एक बार आप सीनियर्स में आ गए हो कि नाउ यू आर अ सीनियर सो यू रिलैक्स, बट जितना आप और आगे जाएंगे उतना ज्यादा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा बेसिकली। सो टू ऑल द प्लेयर्स आउट देयर जो आज कुहू को सुन रहे हैं, प्लीज टेक दिस एडवाइस कि यू हैव टू बी मोर सीरियस विद योर वर्क, आपको और मेहनत करनी है, यू डोंट हैव टू लूज, आपको यू हैव टू प्रूव योर मेटल, और मेहनत करने का टाइम है। तो मैं यही पूछूंगी कि लेखरा लवराज जी से पूछूंगी, सर आप क्या एडवाइस देते हैं जो नए माउंटेनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में और जो करना चाहते हैं एक्सपेडिशन, उनको आप क्या एडवाइस देते हैं अपने जो? मैं यही बोलूंगा जिस जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, और अपना एटीट्यूड को अच्छा रखिए, एक ड्रीम बनाइए, एक गोल बनाइए, और पेशेंस बहुत जरूरी है, हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है इसमें, और एक जुनून भी आपका मतलब डिसिप्लिन आपके ऊपर होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए डिसिप्लिन, जिससे कि आप बहुत अच्छा वो कर सकते हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे आप, और जिस फील्ड में आप हैं उसके बारे में हमेशा सोचेंगे आप, उसके बारे में अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो ऊपर वाला भी जो है आपका सपोर्ट करता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो युवाओं को मैं यही बोलूँगा कि जिस फील्ड में भी आप करते हैं ये बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है, और एक गोल आपको सेट करना पड़ेगा, उसको अचीव करने के लिए
आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं यही चाहूंगा कि जिस फील्ड में भी आप जाएं और उस फील्ड में आप मास्टरी हासिल करें और अपने टीचर वालों को भी बताएं और एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश करें, तो आपके एक बहुत अच्छा होगा। और आप माउंटेनिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, या जिस गेम में भी हैं उस पे आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपकी नॉलेज होनी बिना बहुत जरूरी नॉलेज के नहीं जाइए, बिना गाइडेंस ट्रेनिंग के नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। सो जिला बराज जी हमें यही बता रहे हैं कि वी हैव टू बी फोकस्ड, विद ट्रेनिंग जाना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ऐसे तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। लेखरा जी, क्या आप मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करते हैं? एंड अगर करते हैं तो डज इट हेल्प यू आउट? मेडिटेशन कभी कभी, मैं जैसे मैंने बोला ना, हफ्ते में मेरा शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के बीच में जब मैं रेस्ट में होता हूँ उस दिन मेरा योगा योगा मैं करता हूँ, तो उसमें मेडिटेशन भी कर लेता हूँ। और माउंटेन में भी जाते हैं जब भी मौका मिलता है, थोड़ी देर के लिए जो है अपने माइंड को जो है आँख बंद करके जो है एक बार जो है अपने आप को सोचता हूँ कि फर्दर क्या करना है मुझे। और बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी, क्योंकि आपको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप पैनिक में हो, आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको मेडिटेशन योगा ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उस एटीट्यूड में है तो आपको ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये मेडिटेशन करके आप ये चीजें हासिल कर सकते हैं। तो आजकल यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहे हैं। ट्रेनिंग से संबंधित, तो उसको भी आप देखते रहिए बीच बीच में यूट्यूब में अपने सब्जेक्ट के अनुसार, तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगे, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मैं कुहू से भी पूछना चाहती हूँ कि डज मेडिटेशन हेल्प उनके फील्ड में, क्या मेडिटेशन हेल्प करता है? और अगर वो करती हैं या दर्शी, आप करते हैं मेडिटेशन कभी? हाँ, आई थिंक हर लाइक मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने पहले बोला, इट हेल्प्स यू काम योर माइंड एंड फोकस, इस सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आई थिंक हर एथलीट की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, वो किस तरीके की हाँ जी टेक्निक्स यूज करते हैं। मैं ज्यादा, एक तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत करती हूँ, इवन कोर्ट पे खेलते टाइम, इन मेजर मैचेस हाँ मैं जी इन बिटवीन पॉइंट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत करती हूँ, बिकॉज वो मुझे काम डाउन होने में, वापस बिल्कुल अपना फोकस कोर्ट पे लाने के लिए, शटल पे लाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। एंड सेकेंडली, मैं विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस भी बहुत करती हूँ। स्पेशली बड़े मैचेस से पहले मैं रात को विजुअलाइज कर रही होती हूँ, मैं कैसे खेलूंगी, क्या खेलूंगी, यस मेरा कोर्ट पे एटीट्यूड कैसा होगा, करेगा मेरे मैं जैसे अगर अपने ओपोनेंट्स के मैचेस हम लोग स्टडी करते हैं पहले से देख के, तो हम ये स्टडी कर सकते हैं कि उनके क्या स्ट्रोक्स प्रोबेबल हैं, तो अगर ओपोनेंट्स ऐसा खेलेंगे तो मैं उस पर क्या करूंगी। तो ये सब विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है, बिकॉज मैं देखती हूँ, मैं जितना विजुअलाइज करती हूँ उतना मैं उसको एग्जीक्यूट इजिली कर कर पाती हूँ। सकती हूँ। क्योंकि बहुत हाँ बार बिल्कुल कोर्ट पे गेम इतना फास्ट चल रहा होता है कि आप स्प्लिट सेकंड में सोच नहीं पाते हो आपको क्या करना है, बट इफ आपने ये सब ऑलरेडी अपने माइंड में एक बार करा हुआ है, सोचा हुआ है, तो वो सब बहुत इजीली एंड नेचुरली उस वक्त आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। स्पेसिफिकली अगर आप कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट सोच के जाओ कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पे मुझे पॉइंट्स निकालने, और आप उसको विजुअली इतना प्रैक्टिस कर लो, तो वो कोर्ट पे अपने आप ही आ रहा होता है, आपको फिर उसमें एफर्ट नहीं करना वो चीज करने के लिए। ऐसे ऐसे सबके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं या जो आई थिंक उन्हें हेल्प करते हैं। सो ये मेडिटेशन तो हर स्पोर्ट में आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल स्टेट, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एक फेसबुक रीडर का। मैं लास्ट क्वेश्चन को, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, दिस सेशन कैन गो ऑन एंड ऑन, बट हाउ डू यू फील टू बी अ स्पोर्ट्स आइकन? आप उत्तराखंड की इतनी अच्छी प्लेयर हैं, मतलब इंटरनेशनली खेल चुके हैं, यू हैव मेड द होल कंट्री प्राउड, उत्तराखंड देहरादून प्राउड, सो यू आर अ स्पोर्ट्स आइकन फॉर द यंग जनरेशन आउट देयर। सो आपको कैसा फील होता है, हाउ डू यू फील? एंड आई थिंक आई एम स्टिल स्टार्टिंग आउट ऑन दैट, अभी देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई होप दैट द वे आई वॉज इंस्पायर्ड बाई सीइंग सीनियर प्लेयर जैसे साइना कश्यप वगैरह को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैं भी उस तरीके से यहाँ के लोकल बच्चों को इंस्पायर कर सकती हूँ। एंड जैसे आपने इवन उन्नति रागेश्री दिव्यांशी के नाम लिए थे बीच में, या और भी लोकल बच्चे, की उनको ये एक होप मिले कि हमारे टाउन से भी, देहरादून इतनी बड़ा टाउन नहीं है, यहाँ पे इतनी बड़ी कोचिंग सेंटर्स नहीं है, बट यहाँ से भी प्लेयर्स निकल सकते हैं एंड दे कैन गो ऑन टू डू वेल। सो आई होप आई कैन इंस्पायर
और भी बच्चों को मैं आप यही हैं, सो बाकी मैं लवराज जी से भी पूछूंगी कि सर आप तो पद्मश्री होल्डर हैं एंड आई थिंक लवराज जी इज विद अस, मे बी वहां कनेक्शन का थोड़ा इशू हो रहा होगा, सो आई थिंक सर के साथ कनेक्शन थोड़ा ब्रेक तो नहीं हो गया लवराज जी के साथ, तो तब तक हमें कुहू से इतना अच्छा मिला है कि हमें कुहू आप हमारे जो इंस्पायरिंग वो हैं उनको प्लीज कुछ मैसेज दे दीजिए, द गर्ल्स आउट देयर, द पेरेंट्स आउट देयर, उनको भी प्लीज बताइए कि स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है, प्लीज आप जरा। I would just say कि keep supporting your kids and उनको आप सही पाथ दिखाते रहिए एंड अगर आप अपना पूरा हार्डवर्क एंड डेडिकेशन इसमें लगाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम्स, वेदर स्पोर्ट्स में है या कहीं और है, सो पेरेंट्स शुड ऑलवेज हेल्प गाइड अस टू स्टे ऑन द राइट पाथ, तो हाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को सही पाथ पे रखने की एंड सपोर्ट करें हर जगह जो भी वो करना चाहें, स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो, कुछ भी हो, उन्हें एक मौका दें कि वो उसमें ट्राई कर सके, एंड सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना 100% दीजिए, हार्डवर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होगा, देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट और शॉर्टकट, सो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, इफ यू मेड अप योर माइंड सो गिव इट योर ऑल एंड यू विल डेफिनेटली अचीव। ग्रेट, थैंक यू। लवराज जी आ गए हमारे साथ, सर आप एक पद्मश्री होल्डर हैं एंड आप हाउ डज इट फील टू बी अ पद्मश्री होल्डर सर, कितना आपने शौहरत हासिल की है, इतना पूरे देश क्या विदेश क्या इंटरनेशनली योर एक्लेम, सब आपको सर बहुत सराहनीय उससे देखते हैं, सर हाउ डू यू फील दैट यू आर एन एग्जांपल इन योरसेल्फ एंड सर आपको कैसा फील होता है सर एंड क्या बताएंगे आप हमें? ये बड़ा कोई भी रिकॉग्नाइज करता है किसी भी उसमें तो आपको आपको और मेहनत करने का मन करता है और आगे कुछ करने का मन करता है। दूसरा अब जैसे पद्मश्री इतना बड़ा अवार्ड है भारत सरकार का तो मेरे लिए बहुत बहुत ही खुशी की बात है और बहुत मैं प्राइड फील भी करता हूँ और प्लस ये भी लगता है कि सरकार ने इतना बड़ा अवार्ड दिया तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती है, उस जिम्मेदारी को भी मैं निभाऊँ आने वाले पीढ़ी के लिए और उनके लिए कोई एग्जांपल सेट करूं, उनके लिए उनको भी इस तरह से कुछ मोटिवेट करूं उनको भी, तो ये एक प्राउड मोमेंट होता है और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कोई हमारे अचीवमेंट को हमारे मेहनत को कोई रिकॉग्नाइज करता है। तो सर आप हैं ये, सर यू आर एन इंस्पिरेशन, कितने बच्चों को कितने लोगों को आपने इंस्पायर किया है आगे करते रहे। एग्जाम्पल BSF का देता हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हूँ मैं और BSF का बहुत टफ ड्यूटी है, उसके बाद भी मेरे को इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है BSF ने कि जहाँ से भी मेरे को जाए वो NGC में गया मैं और CISF में गया, बहुत सारे जगह मैंने ट्रेनिंग देने के लिए गया तो मेरे को जो है मेरे सीनियर अधिकारियों ने खुद भेजा और उन्हें खुद बहुत प्राउड फील किया, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं BSF में और अदरवाइज मैं इस लेवल तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि BSF ने जो मेरे को तो ये सेशन तो चलता रह सकता है बट वी आर आई थिंक रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, कुहू गर्ग का भी और लवराज जी का भी कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर दे हैव गिवन सच प्रेशियस एडवाइस टू ऑल द पीपल आउट देयर एंड इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल सिटिंग देयर जो कि इनसे इनकी इंस्पिरेशन स्टोरी सुनने के लिए बहुत बेकरार थे एंड मैं इनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी जाते जाते कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, अभी तो नपी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नपी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, आगे मंजिल भी मिलेगी और मिलने पर उसका मजा भी आएगा। तो भगवान करे आप बहुत ऊंचाइयां छुए, आप और कुहू लवराज जी, कुहू गर्ग, आप अपने अपनी फील्ड में खूब शोहरत हासिल करें, यू मेक अस प्राउड, इंडिया प्राउड, देहरादून प्राउड, उत्तराखंड प्राउड
एंड इतना बुलंद करिए अपने आप को, हम आप यही जून सिटीजन ऑनलाइन की तरफ से हम सिर्फ यही कहेंगे कि खुद को इतना बुलंद कर कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एनरिचिंग अस विद योर वैल्यूएबल थॉट्स। थैंक यू लवरा जी, थैंक यू कुहू, थैंक यू वेरी मच सभी को, जितने भी दर्शक सभी को थैंक यू। Thank you.